हेलो गाइस दिस सी विशाल जैन योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर गाइस आई एम हियर टू हेल्प यू विद द रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस ऑफ सीए फाइनल एफआर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे मैंने पास्ट पेपर सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आरटीपी अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लेना इस रिविजन सीरीज में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ रिवाइज करेंगे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में आप कहां मिस्टेक कर सकते हो मैं आपको वो भी हाईलाइट कराते रहूंगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना लाइक like कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सो दैट दिस वीडियो गेट्स मैक्सिमम रीच अगर आपको इस क्लास का ये रनिंग नोट चाहिए तो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर द सेम ओके सो स्टार्ट करते हैं इंडेस सिक्सटीन से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो मुझे सबसे पहला ही इसका पॉइंट आता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है जैसा हमने क्लास में पढ़ा था यहाँ पे कि हर कंपनीज को मशीन्स तो चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए राइट ना अब जो मशीन्स चाहिए वो क्या करता है मशीन को यूज़ करता है टू जनरेट द आउटपुट मशीन को यूज़ करता है टू जनरेट द आउटपुट ना इफ एनी कंपनी मशीन को यूज कर रहा है टू जनरेट द आउटपुट तो उस मशीन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सबसे पहला ये टैंजिबल नॉन करेंट असेट है हेल्ड फॉर यूज फॉर एनी ऑफ दीस थ्री पर्पस आइदर ऑफ दीस थ्री बताओ क्या प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस रेंटल टू अदर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव परपज अब अगर आपको याद होगा तो रेंटल टू अदर्स आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी आता है रेंटल टू अदर्स आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी आता है ना हाउ इज दिस रेंटल डिफरेंट फ्रॉम आईपी का रेंटल तो आईपी के रेंटल में सिर्फ प्रॉपर्टी कवर होता है लैंड बिल्डिंग बोथ या पार्ट देयर ऑफ और यहां पर आपका <coughs> यहां पर आपका अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी कवर होता है अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी यहां पर आप कवर होता है ओके सो अदर देन प्रॉपर्टी आपका यहां पर कवर हो रहा है so ये दिस इज़ मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाउ अब आपका यहां पर कुछ कुछ एक्सेप्शन है समझो बात को अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया है यूज करने के लिए इंडिया सिक्सटीन अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया है कोई असेट आपने परचेस किया है कोई आपने असेट परचेज किया है उसको सेल करने के लिए इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो वो आपका बन जाएगा इन्वेंटरी तो वो आपका बन जाएगा इन्वेंटरी नाउ अगर आपने असेट परचेज किया था अपने यूज करने के लिए ही बट नाउ यू वॉन्ट टू सेल द असेट तो ये क्या बन जाएगा आपका

पार्ट देर ऑफ आपने प्रॉपर्टी लिया था जो रेंटल पे है प्रॉपर्टी रेंटल पे है तो ये बन जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेकिन आपका इन रेंटल पे है एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी माइट बी दिस लैपटॉप माइट बी एनी इक्विपमेंट माइट बी एनी मशीनरी अगर वो रेंटल पे है तो वो क्या बनेगा आपका वो क्या बनेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही रहेगा वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही रहेगा नाउ यहाँ पे अब आगे से बात है पढ़ेंगे हम लोग यहां पे अब मैं आपको हल्का सा यहां पे एक ब्रीफ मीनिंग बताना चाहता हूं so, आपका जो होता है करेंट टैंजिबल करेंट टैंजिबल तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में प्रॉपर्टी और आ, अदर्स अदर्स में आपका आ गया फर्नीचर्स प्लांट एंड मशीनरी Uh, आपका आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट लैंड यस हाँ ये आ गया ठीक है ना अगर बोला प्रॉपर्टी आपको सेल्फ यूज के लिए यूज से ऑफिस यूज के लिए ठीक है सेल्फ यूज के लिए है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर ये आपका रेंटल के लिए है किसी को आपको रेंटल पे देना है तो ये बन जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये आपका कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए है तो ये बन जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओके ना अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स अगर आपका ये जो है जैसे प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर फिक्चर्स कुछ भी हो अगर ये आपका सेल्फ यूज के लिए है तो भी रहेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर आपको इसको रेंटल पे देना है तो भी रहेगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ओके नाउ या फिर ये आप इसको एडमिन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो भी रहेगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो बेसिकली बोल रहा है जो भी क्लासिफिकेशन होता है ना पीपीई या आईपी दैट इज ओनली फॉर द प्रॉपर्टी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए होता है अदर्स तो हमेशा पीपीई ही रहेगा अगर कोई नॉन करेंट टैंजिबल अगर कोई नॉन करेंट टैंजिबल अट्स है एक्सेप्ट प्रॉपर्टी तो वह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही आएगा एक्सेप्ट प्रॉपर्टी तो वह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही आएगा ना अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर यूज हेल्ड फॉर यूज तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा तो वह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा लेकिन इफ प्रॉपर्ट प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन या लेट आउट या बोथ तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा तो इसको अगर हम लोग बहुत अच्छे से और सिंप्लीफाई करें तो पीपीई में क्या आएगा और आईपी में क्या आएगा आईपी में आएगा आपका लैंड बिल्डिंग बोथ या पार्ट देयर ऑफ या पार्ट देयर ऑफ इफ इट इज हेल्ड फॉर रेंटल और कैपिटल अप्रिसिएशन और ट टैंजिबल अट्स इसको छोड़ के जितने भी नॉन करेंट सब के सब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाएंगे वो सब के सब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसे इसका मतलब क्या आ गया आपका अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो प्रॉपर्टी इफ इट इज हेल्ड फॉर यूज तो भी वो यहां पे आ गया अगर आप रेस्ट मशीन मशीन इक्विपमेंट कुछ देखोगे तो वो चाहे यूज के लिए है वो चाहे रेंटल के लिए है वो चाहे आपका एडमिन uh, पर्पस के लिए किसी भी पर्पस के लिए तो यहाँ पे सब आ जाएगा तो आई बिलीव क्लासिफिकेशन ऑफ पीपी एंड आईपी इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ राइट बोलो तो क्लासिफिकेशन क्लियर है क्या आप लोग को ओके वंडरफुल ना अब मैं चल रहा हूं आपको रिकग्नेश uh, प्रिंसिपल तो हमने अभी तक पढ़ा पीपी पी होता क्या है अब हमें पढ़ना है पीपी -पी, अगर ये पीपी -पी है तो क्या इसको हम लोग अपने एफएस में रिकॉग्नाइज करें तो उसके लिए हमने टू फैक्टर एंटिटी एंड दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड चाहता हूं यहां तक एग्जाम नहीं पूछेगा आपसे यहां तक एग्जाम नहीं पूछेगा आपसे अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में पूछा जाएगा अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमने अभी तक क्या पढ़ा वट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने उसके बाद क्या पढ़ा Recognition principle. तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में पूछा जाएगा अब से मेजरमेंट प्रिंसिपल से पूछा जाएगा एग्जाम में। प्रिंसिपल तो में अब मुझे बताओ सिंपल सा बात हम लोग इनिशियल मेजरमेंट करते हैं और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं ट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट द डेट ऑफ परचेज होता है उस दिन को बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब लाइफ ऑफ द असैट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असैट ओवर दूसफुल लाइफ ऑफ दाउ पॉइंट नंबर वन इनिशियल मेजरमेंट हम लोग किस पे करते हैं कॉस्ट पे करते हैं इनिशियल मेजरमेंट हम लोग किसपे करते हैं कॉस्ट पे करते हैं नाउ कम्स क्वेश्चन वट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट तो अब कॉस्ट का मतलब क्या देखो हम लोग रिकॉल अप्रोच ले रहे हैं यहां पे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है सब सिंपल सा मतलब है कॉस्ट का पहला परचेस प्राइस पहला परचेज प्राइस प्लस एनी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या इंपोर्ट ड्यूटीज ओके टैक्सेस है इंपोर्ट ड्यूटीज है कोई भी अगर गवर्नमेंट का कुछ भी आप पे कि गवर्नमेंट को वो अगर नॉन रिफंडेबल है तो उसको ऐड कर दो क्योंकि नॉन रिफंडेबल है मतलब आपका खर्चा है ये अगर रिफंडेबल होता मतलब खर्चा नहीं है नॉन रिफंडेबल है मतलब खर्चा है तो परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस माइनस डिस्काउंट और रिबेट अब मेरा क्वेश्चन आता है ये डिस्काउंट और रिबेट बोल रहा हूं मैं क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है या दोनों है ये सिर्फ और सिर्फ

राइट ट क्वेश्चन है ना आपके बुक में हमारा एल वाला तो उस भी टाइप के क्वेश्चन में ये कैश डिस्काउंट डाल के आपको गुमराह कर सकता है सो बी वेरी केयरफुल कैश डिस्काउंट कॉस्ट का में एडजस्ट नहीं होगा कैश डिस्काउंट पी एंड एल में जाता है ट्रेड डिस्काउंट होगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे फॉर श्योर बट कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करेंगे ओके okay? नाउ तो क्या आ जाएगा परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स फिर माइनस माइनस फाइनेंस अगर कुछ इंटरेस्ट लगा है तो उसको तो हम लोग करते हैं। याद है ना हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं तो उसमें जो फाइनेंस कॉस्ट लगा है उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं प्लस फाइनेंस कॉस्ट और बोरोइंग ट्वेंटी थ्री अगर आपने लोन लेके असेट को कंस्ट्रक्ट कराया है क्वालिफाइंग एसेट है तो उस पर जो कॉस्ट लगता है उसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं अस पर इंडेस ट्वेंटी थ्री राइट तो क्या हो गया परचेस प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स माइनस डिफॉल्ट पेमेंट टर्म्स का इंटरेस्ट प्लस इंडेस ट्वेंटी थ्री का बोरोइंग कॉस्ट प्लस एनी डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट जिस जगह यूज करना चाहता है और जिस तरह यूज करना चाहता है असेट को उस तरह लाने में उस जगह और उस तरह लाने में कि जितना भी खर्चा होगा सारा का सारा कैपिटलाइज होगा सारा का सारा कैपिटलाइज होगा प्लस अब लास्ट का एक और क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी आर आर सी डी रिमूवल एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमूवल और रिस्टोरेशन कॉस्ट तो ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं आपके कॉस्ट के बताओ वट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्लियर टू एवरी वन इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्लियर टू एवरी वन हमने पूरा रिकॉल अप्रोच से पढ़ाई किया देखो तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है आपका uh, परचेज प्राइस नॉन रिफंडेबल टैक्से माइनस करेंगे इंडे ट्वेंट्री वाला डायरेक्टली ए ट्रीब्यूबल कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द अट टेस एंड कंडीशन इंटेंडेड बाई द मैनेजमेंट ओके प्लस प्रजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेडिंग रिमूवल एंड री स्टोरेशन कॉस्ट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्लियर टू एवरी वन ना अब क्वेश्चन और स्टैंडर्ड हम लोग बोल सकते हैं ये चीज स्टैंडर्ड हमें ये नहीं बताता है कि वॉट व्हाट आर द इंक्लूजनस एंड एक्सक्लूजन ऑफ डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट स्टैंडर्ड हमें ये नहीं बताता है कि व्हाट आर द इंक्लूजनस एंड एक्सक्लूजन्स ऑफ डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट तो इसके लिए हमने क्या किया जितने भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं या पास्ट एग्जाम्स में है या आर में एम में जहाँ भी यहाँ भी आए हुए हैं तो उसके बेसिस पे हमने एक एनालिसिस किया ओके okay? तो वहां पे एनालिसिस से हमने बताया कि ये इतना इंक्लूड होगा ये एक्सक्लूड होगा क्या ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है नहीं ये एक बस एक इलेस्ट्रेटिव लिस्ट है ओके okay? नाउ अब क्या क्या इंक्लूड होता है अगर आप अपना बिल्डिंग को <coughs> अगर आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो कंस्ट्रक्ट कराने के लिए लेबर्स को जो सैलरी दोगे वेजेस दोगे कैपिटलाइज होगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओके नाउ कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपेरेशन कैपिटलाइज होगा इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होगा बिकॉज इंस्टॉलेशन इज इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट इन द कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट प्रोफेशनल फीस कैपिटलाइज होगा टेस्टिंग कॉस्ट टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा आप असेट को परचेस करके लाए हो और असेट को परचेस करके लाए तो उसको पहले यूज करने के पहले उसको टेस्ट कर रहे हो तो वो कैपिटलाइज होगा वो कैपिटलाइज होगा आपका ओके okay? नाउ अब यहां पे आता है आपका एक और पॉइंट था यहां पे आई थिंक कट गया है इसको लिख लो एलोकेटेड ओवर एड्स डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल ओवर एड्स तो बोला अगर ओवर एड्स है वो अगर डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल ओवर एड्स है तो वह भी कैपिटलाइज होगा लेकिन अगर आपका ओवर एड जेनरल ओवर एड्स है या एलोकेटेड ओवर एड्स है तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा ये वाला भी आपके क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में पूछता है सो बी वेरी केयरफुल अगर आपका जेनरल ओवर एड्स है कैपिटलाइज नहीं होगा एलोकेटेड ओवर एड्स है कैपिटलाइज नहीं होगा आपका डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल ओवरहेट्स है कैपिटलाइज होगा नाउ कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग कैपिटलाइज नहीं होगा कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग कैपिटलाइज नहीं होगा एडवर्टीजमेंट का खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा प्रमोशनल खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा ओके okay? नाउ कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी कैपिटलाइज नहीं होगा रीलोकेट और रीऑर्गेनाइज़ वाला खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग का खर्चा हो गया कैपिटलाइज नहीं होगा कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर एन आइटम इज कैपेबल ऑफ बींग ऑपरेटेड मैनर इंटेंड बाय द मैनेजमेंट ये वाला पॉइंट को होल्ड पे रखो मैं बताऊंगा अभी फिर क्या बोल रहा है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस आपने असेट को परचेस किया उसमें आपको इनिशियली लॉस हो रहा है तो वो लॉस कैपिटलाइज होगा क्या नहीं वो पीएनएल में जाएगा वो लॉस पीएनडल में जाएगा बोलो यहां तक क्लियर है क्या तो हमने क्या बताया जो असेट को लोकेशन और कंडीशन में लाने तक का जितना भी खर्चा होता है लाइक like, इंस्टॉलेसन का डिलीवरी का साइट प्रिपेरेशन का वेजेस uh, दे रहे हैं एम्प्लॉइज को uh, अपने वर्कर्स को वेजेस दे रहे हैं सैलरीज दे रहे हैं वो सब कैपिटलाइज होगा ओवरहेड्स है तो अगर डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स है तो वो भी कैपिटलाइज होगा लेकिन अगर आपका कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी है रीलोकेशन रीऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है आपका प्रमोशनल खर्चा है स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा है एडवर्टीजमेंट का खर्चा है

अब एक और बात अब एक और बात एट विच बोला ये यहां पे असेट इज केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड इन अ मैनर Intended by the management, मतलब मैनेजमेंट उस असेट को जिस तरह यूज करना चाहता था वो यहां पे अचीव हो गया तो बोला यहां तक का जितना भी खर्चा है यहां तक का जितना भी खर्चा है वो तो हम लोग कैपिटलाइज करेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूट जितना भी खर्चा है कैपिटलाइज करेंगे बोला यहां के बाद से सीज हो जाएगा खर्चा कैपिटलाइज होना तो यहां के बाद का जितना खर्चा है वो कैपिटलाइज नहीं होगा अब देखो इसके लिए दो लाइन लिखा है मैंने वो दो लाइन पढ़ लो पहले कैपिटलाइजेशन सीजेज वेन द आइटम इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ बींग ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेड बाय द मैनेजमेंट बोला अगर वो लोकेशन और कंडीशन पे पहुंच गया है तो कैपिटलाइजेशन अब से सीज हो गया सिमिलरली यहां पे वही लाइन लिखा हुआ है कॉस्ट आफ्टर एन आइटम इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड इन अ मैनर इंटेंड बाय द मैनेजमेंट इज नॉट कैपिटलाइज इज दैट क्लियर एवरी इज दैट क्लियर एवरी बोलो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट तभी तक कैपिटलाइज होगा जब तक वो इंटेंडेड लोकेशन एंड कंडीशन तक नहीं पहुंचता है जैसे ही वहां तक पहुंच गया उसके बाद का कोई भी खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा आपका क्लियर है ना, अब आता है यहां पे आपका डी कमिशनिंग का कॉस्ट डी कमिश्निंग का कॉस्ट तो डी कमिश्निंग कॉस्ट आपको यहां पे समझना पड़ेगा डी कमिश्निंग जो होता है मतलब आपका असेट आपने आज परचेज किया है लेकिन आपका डी कमिश्निंग आज लगेगा क्या डी कमिश्निंग का खर्चा आज लगेगा क्या नहीं डी कमिश्निंग का खर्चा लगता है आपका असेट के यूजफुल लाइफ के एंड पे असेट के यूजफुल लाइफ के एंड पे आपका डीकमिशनिंग का खर्चा लगता है नाउ का या रिमूवल का या रिस्टोरेशन का जो खर्चा लगता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर में बोलते हैं डीआरआरसी जो डीआरआरसी का जो खर्चा लगता है आपका इट कैन बी अ लीगल ऑब्लिगेशन इट कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मतलब मोदी जी मेरे को बोले थे कि आपको जगह को रिस्टोर कराना है या फिर मोदी जी ने खुद तो नहीं बोला लेकिन मेरे कंपनी का पॉलिसी है कि मैं अगर कोई असेट को वहां पे इंस्टॉल करा रहा हूं तो उसको जब मैं हटाऊंगा वहां से तो उस जगह को रिस्टोर कराऊंगा ये मेरे कंपनी का पॉलिसी है तो अगर मेरे कंपनी का पॉलिसी है तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन ओके लेकिन अगर मोदी जी बोले हैं तो ये हो गया आपका लीगल ऑब्लीगेशन ओके तो कैन भी लीगल ऑब्लीगेशन कैन भी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिकेशन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने की कोशिश करेगा कैसे बोलेगाब्लिगेशन बट द एंटिटी है पॉलिसी ऑफ डूइंग सो तो क्या हमें प्रोविजन बनाना है क्या डीआरआरसी के लिए तो क्या हमें प्रोविजन बनाना होगा क्या जी हाँ बनाना होगा हमें ना तो प्रोविजन किस अमाउंट पर बनाएंगे प्रोविजन किस अमाउंट में बनाएंगे एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड डीआरआरसी कॉस्ट्स एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड डीआरआरसी कॉस्ट्स नाउ तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है इस एग्जांपल से डीआरआरसी पूरा क्लियर हो जाएगा आपका बोलो ऑन फर्स्ट अप्रैल टू जीरो ए लिमिटेड परचेज अ ऑयल रिग फॉर दस लाख दस लाख का एक ऑयल रिग परचेज किया है इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा दो लाख ,00 का एंड ए लिमिटेड एस्टिमेट डी कमिशनिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट ऑफ छाख लाइफ ऑफ दुलिस इस रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट है ऑयल रिग परचेस किया दस लाख में हमने ऑयल रिग परचेस किया दस लाख में और इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगाया दो लाख का तो मेरा असर का कॉस्ट बन गया दो लाख लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर जो आपका रिस्टोरेशन का कॉस्ट लगेगा छह लाख कब लगेगा देखो ए लिमिट एस्टिमेट्स डी कमिश्निंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ छः लाख तो ये छः लाख लगेगा कब एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा यहां पे किस रेट से टेन परसेंट के रेट से तो टेन परसेंट के रेट से प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया फोर फाइव जीरो सेवन एट एट तो हमारा असेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा ट्वेल्व लाख प्लस फोर फाइव जीरो सेवन एट एट इट बिकम्स सिक्सटीन फिफ्टी सेवन एट्टी एट तो ये हो गया आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ द ऑयल रिग इनिशियल कॉस्ट ऑफ द ऑयल रिग इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा असट अकाउंट डेबिट सिक्स टू बैंक आपने बारह लाख अभी पे कर दिया फोर का प्रोविजन बना बनाओगे प्रोविजन फॉर डी आर आर सी प्रोविजन फॉर डी आर आर सी बनाओगे आप फोर का ओके नाउ अब आता है ये तो हो गया इनिशियल मेजरमेंट इनिशियल मेजरमेंट सब्सिक्वेंटली क्या होगा सब्सिक्वेंटली क्या होगा बताओ मुझे कमॉन गल सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे Subsequently, हम लोग को करेंगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ देखो यहाँ पे यूजफुल लाइफ क्या है यूजफुल लाइफ क्या है तीन साल तो हम लोग डिप्रिसिएट करेंगे तीन साल में असेट को प्लस बैंक तो पेमेंट हो गया काम खत्म डी आर आर सी डी आर आर सी जो है फोर फाइव जीरो सेवन एट एट का फोर फाइव जीरो पे ऑफ कर देंगे at year three हम लोग इसको pay off कर देंगे तो कैसे होगा डेप्रिसिएशन अनवाइंडिंग कैसे होगा चलो एक बार देख लेते हैं तो ये आपका यहाँ पे इनिशियली आपने रिकॉर्ड किया था फोर फाइव जीरो सेवन एट एट का आ, प्रोविजन प्रोविजन रिकॉर्ड किया हमने फोर फाइव जीरो सेवन एंड एट का ना इस पर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या डिस्काउंट रेट क्या था बताओ तो दस परसेंट का तो हमारा यहां पे फाइनेंस कॉस्ट कितना है दस परसेंट से फोर फाइव जीरो सेवन नाइन और हमारा क्लोजिंग कितना बन गया बताओ तो फोर फाइव जीरो सेवन एट एट अच्छा मैंने यहां कर दिया यहां पे कर दिया कैलकुलेशन क्लोजिंग क्या, बन गया फोर नाइन फाइव एट सिक्स सेवन फिर हमने इस पर टेन परसेंट का फाइनेंस कॉस्ट लगाया तो आ गया फोर नाइन फाइव एट सेवन और मेरा क्लोजिंग बन गया फाइव फोर फाइव फोर फाइव फाइव ओके अब हमने इस पर टेन परसेंट लगाया तो ये आ गया और मेरा क्लोजिंग बन गया इतना हम लोग इसको कर देंगे पे ऑफ अब हम लोग कर देंगे इसको पे ऑफ लेकिन लेकिन ये जो 6 लाख का अमाउंट है ये तो एस्टिमेटेड अमाउंट है ना ये छह लाख का अमाउंट है ये तो एस्टिमेटेड अमाउंट है ये तो कोई सर्टेन अमाउंट तो है नहीं तो ये अमाउंट एग्जैक्टली exactly क्या हम लोग थर्ड ईयर एंड में छ लाख ही पे करेंगे नहीं हो सकता है पांच लाख पे करना पड़े हो सकता है दस लाख पे करना पड़ जाए तो क्या करेंगे बोला हम लोग पहले एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डी अकाउंट डेबिट छ लाख हमारा प्रोविजन बनाया हुआ है छह लाख हमारा प्रोविजन बनाया हुआ है हम लोग पे ऑफ जितना करना पड़े उतना पे ऑफ करेंगे और जो डिफरेंशियल होगा उसको पी एंड एल में भेज देंगे जो भी डिफरेंशियल होगा उसको पी एंड एंडल भेज देंगे हो सकता है कम पे करना पड़े हो सकता है ज्यादा पे करना पड़े लेट सपोज हमने छह का प्रोविजन बनाया है और हो सकता है हमें पे करना पड़ गया सिक्स पॉइंट टू तो हम लोग ट्वेंटी थाउजेंड को पी एंड एल में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे बट हमने प्रोविजन बनाया है सिक्स लाख बट हमें पे करना पड़ा सिर्फ फाइव पॉइंट सेवन तो हम लोग पे कर देंगे 5.7 और जो जितना डिफरेंशियल हुआ 30000 को हम लोग इनकम रिकॉर्ड कर देंगे बोलो क्लियर है क्या क्लियर है आशीष आई बिलीव आपका क्वेरी इसमें आंसर हो गया अगर पे करना ही नहीं पड़ा तो आइडियली ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा लेकिन अगर फिर भी आता है तो क्या करेंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट 6 लाख ,00 पेमेंट हुआ नहीं तो पूरा का पूरा पी एंड एल पूरा का पूरा पी एंड एल ओके okay? चलो तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है ये जो फाइनेंस कॉस्ट देखो हमने इनिशियल जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला उसको तो अट में ऐड कर दिया उसको तो हमने असेट में ऐड करके कैपिटलाइज कर दिया लेकिन जो ये फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है ये क्या होगा बताओ तो मतलब फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है मतलब जो मेरा डीआरआरसी जो हर साल इंक्रीज कर रहा है तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है क्या इसको भी हम लोग असेट में कैपिटलाइज करेंगे क्या क्या इसको भी हम लोग असेट में कैपिटलाइज करेंगे क्या नहीं ये जाएगा पी एंड एल में ये जाएगा पी एंड एल में ये जाएगा पी एंड एल में ओके okay? तो आपका असेट जो है वो बहुत ही नॉर्मल रूप में डेप्रिसिएट होते रहेगा तो आपका असेट कितना आया था बच्चों आपका असेट आया था सिक्सटीन फिफ्टी सेवन एटी एट राइट सिक्सटीन फिफ्टी लाइफ था तीन साल तो आप तीन साल में इसको डिप्रीसीट करोगे असेट में और कोई चेंज नहीं आएगा सिक्सटीन फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री इज फाइव फाइव जीरो टू सिक्स थ्री फाइव फाइव जीरो टू सिक्स थ्री और फाइव फाइव जीरो टू सिक्स टू तो इस तरह से डिप्रीसीट करके आप असेट को रखोगे बोलो क्लियर है क्या क्लियर एवरी वन चलो तो इससे आई बिलीव आपका इनिशियल मेजरमेंट सबको क्लियर हो गया है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ पीपी सबको क्लियर हो गया है वंडरफुल आगे चल रहे हैं सब मेजरमेंट पे आते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आते हैं तो सब्सिक्वेंटली बताओ तो हम लोग असेट को कैसे मेजर कर सकते हैं या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैलुएशन मॉडल या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्युएशन मॉडल पे हम लोग इसको रीवैल इसको रिवैल्यू करके रख सकते हैं नाउ अब कैसे डिटरमाइन करें कि हमें कॉस्ट मॉडल लेना है या रिवेल्यूशन मॉडल लेना है ये डिटरमाइन कैसे करेंगे सो ऑन अ क्लास ऑफ बेसिस ऑन अ क्लास ऑफ असेट्स बेसिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास ऑफ असेट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास ऑफ असेट्स सो क्लास ऑफ असेट होता है असेट्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड सिमिलर यूज जैसे लैंड एंड आपका लेट सपोज दो बिल्डिंग है बिल्डिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग नेचर सेम है लेकिन एक बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग है एक बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग है जो ऑफिस बिल्डिंग है उसका पर्पस अलग है फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका पर्पस अलग है तो इवन दो दोनों बिल्डिंग है ये आपका डिफरेंट क्लास ऑफ ऑफर बन गया ये आपका डिफरेंट क्लास ऑफ ऑसर बन गया नाउ कंपनी के पास दो फैक्ट्री बिल्डिंग है तो ये दोनों एक क्लास क्योंकि बिल्डिंग बिल्डिंग नेचर भी सेम फैक्ट्री फैक्ट्री पर्पस भी सेम तो ये दोनों एक क्लास ऑफ असर बन जाएगा

क्लास ए में पंद्रह सेट्स हैं तो बोला क्लास ए में हमने सेलेक्ट किया है कॉस्ट मॉडल तो क्लास ए के सारे एसेट्स पंद्रह के पंद्रह सारे एसेट्स पे आपको कॉस्ट मॉडल ही लगाना पड़ेगा नाउ क्लास सी के लिए हमने डिटरमाइन किया है रिवेल मॉडल तो क्लास सी में चार एसेट्स हैं तो बोला इन चारों एसेट्स पे आपको रिवॉल्यूशन मॉडल ही लगाना पड़ेगा सो द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्युशन मॉडल इज डन ऑन अ क्लास ऑफ एसेट बेसिस इफ इट इज डिसाइडेड दैट अ पर्टिकुलर मॉडल हैज टू बी अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट्स तो उसमें जितने भी एसेट्स हैं सब पे सेम मॉडल लगेगा Now, अब आपको याद होगा, आपके बुक में एक क्वेश्चन है क्या, क्या? पे हम लोग लगा सकते हैं, क्यों क्योंकि दे आर डिफरेंट क्लास ऑफ असर्ट्स फैक्ट्री बिल्डिंग इज ए डिफरेंट क्लास और ऑफिस बिल्डिंग इज ए डिफरेंट क्लास ओके नाउ अब आता है अगर हमें रिवैल्युएशन मॉडल लगाना है तो कैसे करेंगे अगर हमें रिवेल्यूशन मॉडल लगाना है तो कैसे करेंगे तो बट मैं इसको पढ़ाने के पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ इसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ आ जाओ हमने क्लास में पढ़ा था सन लिमिटेड अब ये उसी का एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो हम लोग वो वाला डिस्कस कर लेते हैं फटाफट बुलाउन फर्स्ट मे 2022 और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना संस्कार लिमिटेड परचेस्ड फोर्टी टू लैक वर्थ ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेयर हाउस फॉर स्टॉकिंग न्यू प्रोडक्ट अब इसमें ना कुछ कुछ गलती होने का चांसेस होता है तो जो जो गलती होने का चांसेस है ना तो प्लीज उसको आप लोग एक जगह नोट करते जाओ प्लीज उसको एक जगह नोट करते जाओ मिनट प्लीज ऑन फर्स्ट मे टू जीरो टू टू संस्कार लिमिटेड परचेज फोर्टी टू लैख वर्थ ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वेयरहाउस फॉर स्टॉकिंग न्यू प्रोडक्ट्स द लैंड परचेज हैड एन ओल्ड टेम्पररी स्ट्रक्चर विच वॉज टू बी डिमोलिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउस द सेलवेस्ट मटीरियल फ्रॉम द डिमोलिशन वॉज सोल्ड अज स्क्रैप द कंपनी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयरहाउस ऑन फर्स्ट जून टू जीरो टू टू पहला गलती होने का चांस अब बताओ आपने लैंड परचेस किया है फर्स्ट मे को लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है फर्स्ट जून को मेरा पहला क्वेश्चन अगर हमने लोन ले लिया है फर्स्ट मे को तो लोन का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज कब से होना स्टार्ट होगा फर्स्ट मे से या फर्स्ट जून से तो लिखो ये वाले गलती को ये वाला गलती एग्जाम में हो सकता है लिखो इसको गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सॉरी आई एम डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक लिटिल बिट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आप लोग का हैबिट क्या होता है कि आ, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो लगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसको एग्जाम के जो लास्ट दिन पढ़ेंगे ना उसमें देख लेंगे तो उसको हम लोग सिर्फ यहीं पे हाईलाइट करके छोड़ देते हैं नाउ थिंक लॉजिकली एग्जाम के लास्ट दिन में क्या आपके पास इतना समय होगा कि आप पूरे बुक का एक एक पेज टर्न कर कर के चेक करोगे क्या इंपॉर्टेंट था क्या इंपॉर्टेंट नहीं था टेल मी ऑनेस्टली क्या आपके पास उस दिन इतना टाइम होगा कि आप एक एक पेज टर्न करके चेक करोगे कहा मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है नहीं होगा राइट तो क्या करो अभी से ही एक छोटा सा कॉपी ले लो या अपने बुक के ना फर्स्ट पेज पे अपने हर बुक के फर्स्ट पेज पे जहां भी इंपॉर्टेंट लिखना है उस पर लिखते जाओ कि इस पेज में ये इंपॉर्टेंट है इस पेज में ये इंपॉर्टेंट है इस पेज में ये इंपॉर्टेंट है ओके मैंने क्या किया था मैंने एक सेपरेट नोटबुक रख लिया था उस सेपरेट नोटबुक में मैंने चैप्टर पूरा सब्जेक्ट वाइज बना दिया था कि इस सब्जेक्ट में मेरे को लास्ट दिन ये तो देख के जाना ही है तो अगर आप ऐसे कर दोगे ना तो कोई भी चीज जो आप इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहे हो या मिस्टेक्स हाईलाइट कर रहे हो वो आपका लास्ट दिन एक बार आप देख पाओगे छूटेगा नहीं आप सिर्फ बुक में हाईलाइट कर दोगे तो डेफिनेटली वो छूटना है तो एक जगह उसको लेके आ जाओ पहले से ही सो अभी से ही आप ये आइडेंटिफाई करके रखो कि लास्ट पांच दिन क्या पढ़ना है और जब लास्ट पांच दिन पढ़ रहे होगे तो उस समय हाईलाइट करके रखना कि एग्जाम का जो दिन होगा जो सुबह सुबह पढ़ते हो उस दिन क्या क्या देखना है तो यह काम आपको एडवांस में करके रखना पड़ेगा कमिंग बैक टू टॉपिक ऑन फर्स्ट मे टू जीरो टू टू हाँ ठीक है ये हो गया आपका तो हम लोग यहां पे आपको पहला गलती क्या हो सकता है कि आपका लोन आप अगर इस दिन देता है और आपका कंस्ट्रक्शन इस दिन स्टार्ट हुआ है तो आप कैपिटलाइजेशन इस दिन से स्टार्ट करोगे इस दिन से स्टार्ट नहीं करोगे चलो अब बोल रहा है हमने ये सब खर्चा किया है हमने ये सब खर्चा किया क्या लीगल फीस फॉर इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड रिकॉर्डिंग ओनरशिप तो डेफिनेटली कैपिटलाइज होगा आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट फी डेफिनेटली कैपिटलाइज होगा कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द परचेज लैंड डेफिनेटली इसको हम लोग माइनस करेंगे सॉरी कॉस्ट है तो ऐड करेंगे कॉस्ट है ना ऐड करेंगे नाउ साइट प्रिपेरेशन चार्जेस फॉर द वेयर हाउस कैपिटलाइज होगा परचेज ऑफ सीमेंट परचेज ऑफ सीमेंट एंड अदर मटीरियल फॉर कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ एक लाख एंड जीएसटी क्रेडिट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ दोला पंद्रह लाख में एक लाख ,00 का जीएसटी है और उसका पचास परसेंट हमें क्रेडिट मिल जाएगा मतलब रिफंडेबल है फिफ्टी थाउजेंड आपका रिफंडेबल है तो माइनस कर दो फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड आपका रिफंडेबल है फिर क्या बोल रहा है इंप्लॉइज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैपिटलाइज होगा जेनरल ओवरहेड जेनरल ओवरहेड कैपिटलाइज होगा क्या नहीं होगा कैपिटलाइज ओवरहेड इनकट डायरेक्टली ऑन कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कैपिटलाइज होगा क्या जी हां इनकम रिसीव फ्रॉम लैंड टेम्पररी पार्किंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज तो ये वाला भी मैंने रिवाइज नहीं कराया बट फिर भी आपको पता होगा ना कि अगर आपका जो पीपी -पी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज कोई आप एंसेलरी एक्टिविटीज करते हो तो एंसेलरी एक्टिविटीज करने का कॉस्ट और उसका इनकम दोनों पी एंड एल में जाता है राइट दोनों ही एंड एल में जाता है क्योंकि ये आपका मेन एक्टिविटी था क्या आपको टेम्पररी पार्किंग बनाना था क्या यहां पे नहीं आपको तो वेयर हाउस बनाना था तो दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव नो तो इसका पी में जाएगा कॉस्ट और इनकम दोनों ही नेट होके पी में जाएगा तो ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा फिर क्या बोल रहा है रिसिप्ट ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड बींग द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सैलवेज मटीरियल एंड स्क्रैप मटीरियल फ्रॉम डिमोलिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर तो बोला जो हमने लैंड परचेज किया था उसमें कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था तो हमने डिमोलिश किया तो डिमोलिश करने का खर्चा लगा था वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड जो डिमोलिश किए जो बच गया उसको हमने जो डिमोलिश करने के बाद जो बचा सामान बना बचा होगा उसको हमने बेच दिया मार्केट में तो हमें मार्केट से बेचने से थर्टी फाइव थाउजेंड लगा तो उसको हम लोग कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे इसको हम लोग कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे नाउ मटीरियल कॉस्टिंग फोर्टी थाउजेंड वॉज वेस्टेड एंड फर्दर वन ट्वेंटी थाउजेंड वॉज स्पेंड टू रेक्टिफाई द रॉन्ग डिजाइन बोला मटेरियल्स जो है चालीस हजार का आपका वेस्ट हो गया मतलब लॉस हो गया और मैंने क्या बताया था कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो और आपका एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको कैपिटलाइज करते हैं क्या नहीं उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो माइनस फोर्टी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड नाउ फिर क्या बोल रहा है फर्दर एक लाख बीस हजार वॉज स्पेंड टू रेक्टीफाई द रोंग डिजाइन वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वॉज स्पेंड टू रेक्टीफाई द रोंग डिजाइन अब एक बात समझो फर्दर वन लाख ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थाउजेंड मतलब क्या ये वन ट्वेंटी थाउजेंड इसमें इंक्लूडेड है क्या आइडियली मेरे हिसाब से तो इंक्लूडेड नहीं है लेकिन एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है बोला अगर आप इंक्लूड अगर आप मानते हो अगर आप मानते हो कि ये इसमें इंक्लूडेड है तो अजम्सन में लिख दो हाँ इंक्लूडेड है और आप माइनस कर दो वन हम आपको मार्क्स देंगे अगर आप मानते हो इंक्लूडेड नहीं है अगर आप मानते हो इंक्लूडेड नहीं है तब तो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं ये डायरेक्टली पी में चल जाएगा डायरेक्टली पी में चल जाएगा डायरेक्टली पिंड में चल जाएगा इसको इग्नोर कर देंगे राइट तो आपको आपको दे के लिख देना आपको दोनों ही केस में मार्क्स मिलेगा पूरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस पे। फिर क्या बोल रहा है इंप्लॉयमेंट का कॉस्ट आर फॉर फ्रॉम जून थर्टी फर्स्ट मार्च तो क्या दिक्कत वाली बात है क्या दिक्कत वाली बात है फर्स्ट जून से आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और थर्टी फर्स्ट मार्च तक है इंप्लॉयमेंट कॉस्ट ठीक है कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री कंप्लीटेड ऑन ट्वेंटी एथ फेबर टू जीरो दिक्कत वाली बात है ना आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था ट्वेंटी में लेकिन आपने इंप्लॉई कॉस्ट कैपिटलाइज कर रखा है टिल मार्च तो ये गलत हो गया तो तो मंथ मंथ मतलब जून से मार्च हुआ तो हमें लेना क्या है जून से फरवरी लेना है मतलब नाइन मंथस का लेना है तो हम लोग क्या करेंगे पता है कॉस्ट में हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय नाइन बाई टेन टेन मंथ्स का है तो नाइन ले ले लेंगे हम लोग इंप्लॉय फिर क्या बोल रहा है और नाइन मंथ का लेना है ना तो ये ओवर भी हम लोग नाइन मंथ का ले लेते हैं ओवर भी नाइन मंथ का ले लेते हैं फिर क्या बोल रहा है यूज ऑफ वेयर हाउस कमेंस्ड ऑन फर्स्ट मार्च ओके कोई बात नहीं ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज़ ट्वेंटी फाइव बोला फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है वो ट्वेंटी फाइव है क्वेश्चन ही ना कंफ्यूज्ड है दो आपका कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या बोला था देखो तो वेयर हाउस बनाना था इसको वेयर हाउस बनाना था और अभी क्या बोल रहा है फैक्ट्री बनाना है तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है खुद में ही बट ठीक है हमारा इस पर कोई मटेरियल नंबर का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं सर ओवर हेड लिखा है ओवरहेड कहां लिखा है ओवर हेड ये रहा ना देखो ओवर हेड ये रहा थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ ओके okay, आप बोल रहे हो नाइन मंथ क्यों किए आप ये बोलना चाह रहे हो तो ओवरहेड के लिए क्या लिखा है देखो यहां पर मंथ का कॉस्ट लिखा है राइट में बोल रहा है थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ तो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना था हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड फर्स्ट जून से लेके ट्वेंटी एट फरवरी नाइन मंथ हो गया तो इसलिए हमने नाइन मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया क्लियर ओके okay. फिर बोल रहा है ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 25 साल था फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब फर्स्ट मार्च से 25 साल था हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट द द रूफ ऑफ वेयर हाउस विल नीड टू बी रिप्लेस्ड 15 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन एंड दैट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करेंट प्राइसेस विल बी 25 द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग मतलब हमें लगाना पड़ेगा कंपोनेंट अकाउंटिंग हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्या कंपोनेंट अकाउंटिंग बेसिकली बोल रहा है कि पूरे बिल्डिंग का जो वेयर हाउस बिल्डिंग बन रहा है उसका लाइफ तो 25 साल है लेकिन इसका जो रूफ है ना इसका जो रूफ है इसका जो रूफ है उसका लाइफ सिर्फ 15 साल है उसका लाइफ सिर्फ 15 साल है और उसका कॉस्ट जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है मतलब कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट है कॉस्ट सिग्निफिकेंट है प्लस लाइफ डिफरेंट है कॉस्ट सिग्निफिकेंट है प्लस लाइफ डिफरेंट है मतलब हमें इसको सेपरेट अकाउंट सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज करना से रूफ का और रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग का हमें सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा नाउ फिर क्या बोल रहा है एट द एंड ऑफ 25 ईयर पीरियड संस्कार लिमिटेड इज लीगली बाउंड टू डिमोलिश द फैक्ट्री एंड रीच द साइट डीआरआरसी का बात कर रहा है डीआरआरसी का बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है डीआरआरसी में देखो तो क्वेश्चन ओके, डायरेक्टर्स ऑफ एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इन ट्वेंटी फाइव इन टाइम एटी लैक्स पच्चीस साल के बाद एटी लैक्स लगेगा टेन परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है पॉइंट नाइन टू तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीआरआरसी बताओ फटाफट बताओ व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीआरआरसी? आर लाख इंटू जीरो पॉइंट जीरो नाइन टू इज इक्वस्ट टू हाउ मच सेवन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंडे चलो ये वाला भी हो गया फिर क्या बोल रहा है संस्कार लिमिटेड रेस्ट अ लोन ऑफ सिक्सटी लैक्स एट टेन परसेंट पर एन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट जून टू जीरो टू टू देखो क्वेश्चन है यहां पर आपको डेटा जो है सही रूप में दे दिया है तो हमें दिक्कत वाली बात नहीं है कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ फर्स्ट जून को लोन भी लिया फर्स्ट जून को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हुआ था फर्स्ट जून को लोन लिया भी था फर्स्ट जून को तो इसलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आया लेकिन अगर क्वेश्चन आपको गुमराह करने का कोशिश किया कि लोन लिया है फर्स्ट मे को लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है फर्स्ट जून को ओके okay, और लैंड भी परचेस किया है फर्स्ट मे को मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो बात को अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि आपका यहां पे फर्स्ट मे को आपने लैंड लिया है आपने लोन ले लिया लेकिन फर्स्ट जून से आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो हम लोग कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जून से क्लियर है तो गुमराह नहीं होने का गुमराह नहीं होने का ये एक मैंने सिनेरियो बताया है एक सिनेरियो बताया है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपको लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ही डिसेंट रूप से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है बोल रहा है क्या कि लोन लिया ही है फर्स्ट जून को तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है नाउ

तो कितना हो गया 60 लाख ,00 का 10 परसेंट का 9 बाय टूव कितना हो गया 4 लाख फिफ्टी थाउजेंड का आपका बोरोइंग कॉस्ट लगा है 60 ,00 का, 60 लाख ,00 का टेन परसेंट नाइन बाय टूवल्व और आपका इन्वेस्टमेंट इनकम कितना आया है पच्चीस हजार आया है इन्वेस्टमेंट इनकम तो माइनस पच्चीस हजार कर दो इन्वेस्टमेंट इनकम तो कितना आ गया फोर लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ गया आपका बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज

कॉस्ट को तीन हिस्सों में बांटना पड़ेगा पहला होगा लैंड राइट पहला होगा लैंड दूसरा होगा वेयरहाउस अब इस वेयरहाउस को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा जो कॉस्ट लगा है आपका इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना जो कॉस्ट लगा है आपका पहले इस कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटो दैट इज लैंड का कॉस्ट कितना लगा और वेयरहाउस के बिल्डिंग का कितना कॉस्ट लगा वेयर वेयरहाउस के बिल्डिंग का जो कॉस्ट लगा है उसका 25 परसेंट जाएगा रूफ में और 75 परसेंट जाएगा रेस्ट ऑफ वेयर हाउस बिल्डिंग बोल के बोलो क्लियर है क्या क्लियर है क्या वंडरफुल तो अब आते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ लैंड कैसे निकालेंगे तो बताओ हमने लैंड को जो परचेज किया था कितने परचेज किया था 42 लाख में परचेज किया लैंड लीगल फीस लैंड के लिए है तो ये भी लैंड का कॉस्ट हो गया आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट फी भी लैंड का ही हो गया कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग भी लैंड का ही हो गया कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग भी लैंड का ही हो गया और ये जो आपको सेल्वेज मिला ये भी लैंड का ही हो गया बोलो हा या ना क्योंकि सेल्वेज क्यों क्यों लैंड का हो गया देखो ना यहां बोला ना कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इज डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ लैंड तो क्या आ रहा है लैंड में देखो तो फटाफट लैंड में क्या क्या आ रहा है बताओ फटाफट फोर्टी कॉस्ट ऑफ लैंड आ गया ये आपका कॉस्ट ऑफ लैंड फिर ये आ गया होगा आपका एक होगा लीगल कॉस्ट ऑफ लैंड लीगल कॉस्ट जो आपने परचेज करने में लगाया होगा ये आ गया होगा आपका डिमोलिशन का कॉस्ट और ये आ गया होगा आपका सेल्वेज uh, वैल्यू तो ये हो गया आपका लैंड का कॉस्ट ये हो गया आपका लैंड का कॉस्ट अब जितना बचा वो सारा का सारा चला जाएगा बिल्डिंग के कॉस्ट में राइट वो सारा का सारा जैसे मटेरियल था कंसल्टेंट का फीस हो गया क्योंकि consultant... देखो एक बात समझो आर्किटेक्ट जो है आर्किटेक्ट तो जो है वो लैंड परचेज करेगा क्या नहीं आर्किटेक्ट क्या करेगा बिल्डिंग को कैसे बनाना है वो बताएगा राइट आर्किटेक्ट क्या बताता है बिल्डिंग को कैसे बनाना है आर्किटेक्ट वो बताएगा तो वो बिल्डिंग का खर्चा हो गया तो आ जाओ हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लैंड का कॉस्ट ये हो जाएगा आपका लैंड का कॉस्ट डिमोलिशन हो जाएगा आपका लैंड आर्किटेक्ट बिल्डिंग का बताएगा साइट प्रिपेरेशन बिल्डिंग का होगा मटेरियल बिल्डिंग का होगा एम्प्लॉयमेंट बिल्डिंग का होगा जनरल तो कैपिटलाइज करना ही नहीं है ये बिल्डिंग का होगा इनकम रिसीव फ्रॉम लैंड तो ये तो कैपिटलाइज होगा ही नहीं फिर आपका प्रोविजन फॉर डीआरआरसी बिल्डिंग का हो जाएगा क्योंकि हम लोग डीआरआरसी मतलब इस बिल्डिंग को बाद में तोड़ेंगे तो बिल्डिंग को तोड़ेंगे ना तो ये बिल्डिंग का हो गया नाउ फिर ये जो मटेरियल है मटेरियल है तो ये, building का तो ये building का बिल्डिंग का था तो ये बिल्डिंग का हो गया इंप्लॉयमेंट कॉस्ट बिल्डिंग का था तो ये बिल्डिंग का हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री खत्म हो गया सब चीज खत्म चलो तो हमने यहां पे निकाल दिया लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट का सेपरेशन बताओ लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट का सेपरेशन क्लियर है आपको लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट का सेपरेशन क्लियर है ओके okay? नाउ अब आते हैं जितना भी बिल्डिंग का कॉस्ट आया जितना भी बिल्डिंग का कॉस्ट आया 25 परसेंट कौन लेके जाएगा रूफ लेके जाएगा पच्चीस परसेंट का रूफ लेके जाएगा और रिमेनिंग जो है मेरा रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग बन जाएगा अब आता है यहां पे ये हुआ पहला पॉइंट क्वेश्चन क्या बोला था कॉस्ट ऑफ ऑफ कंस्ट्रक्शन वेयर हाउस तो आप डायरेक्टली बोलोगे वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन का कितना लगा था आपको लैंड का लगा फोर्टी फोर पॉइंट फाइव और बिल्डिंग का लगा थर्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव थर्टी नाइन पॉइंट सेवन सिक्स ये बोलोगे सेकेंड बोल रहा है डेप्रिसिएशन निकालो अब जब डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए अब बोलेंगे बताओ लैंड है तो लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्या नहीं रूफ को हम लोग डेप्रिसिएट करेंगे 15 इयर्स में और रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करेंगे 25 इयर्स में राइट नाउ हमें डेप्रिसिएशन किस साल का निकालने बोल रहा है 31 मार्च 23 और हमारा असट कैपिटलाइज हुआ कब है फर्स्ट मार्च 23 मतलब फर्स्ट मार्च से थर्टी फर्स्ट मार्च मतलब सिर्फ एक मंथ का डिप्रेशन निकालना है सिर्फ वन मंथ का डिप्रेशन निकालना है एग्जाम में गलती क्या हो सकता है आप पूरे साल का डिप्रेशन निकाल के आ जाओगे राइट? तो मंथ का डिप्रेशन निकालना है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तो यहां पर क्या हो जाएगा नाइन पॉइंट नाइन फोर लैख है कॉस्ट पंद्रह साल का लाइफ है डिवाइडेड बाय बारह एक महीना का इंटू एक लाख कितना हो गया फाइव फाइव टू टू इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइव फाइव टू टू इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रूफ बिल्डिंग का कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट टू डिड बाई ट्वेंटी फाइव बाई ट इंटू एक लाख ये हो जाएगा नाइन नाइन फोर जीरो बोलो क्लियर है क्या तो टोटल डिप्रेशन कितना हो गया वन फाइव फोर सिक्स टू नाउ अब थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कैरिंग वैल्यू ऑफ वेयर हाउस टू बी टेकन टू बैलेंस सीट तो बता दो लैंड तो फोर्टी फोर पॉइंट फाइव का उसी वैल्यू पे रहेगा बिल्डिंग थर्टी नाइन पॉइंट सेवन सिक्स था थर्टी नाइन पॉइंट सेवन सिक्स था बिल्डिंग और इसमें हमने डिप्रेशन चार्ज किया है वन फाइव फोर सिक्स टू का तो मेरा आ गया थ्री नाइन ये चल जाएगा मेरा बैलेंस सीट पे ये चल जाएगा मेरा बैलेंस सीट पे बोलो क्लियर है क्या तो अब इस क्वेश्चन में गलती कहां कहां हो सकता है उसका भी नोट करते हैं आ जाओ इस क्वेश्चन में गलती कहां कहां हो सकता है आ गया अभी पहला लोन का बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन एसपर इंड एस ट्वेंटी थ्री तो हमेशा ध्यान में रखना आप लोग कि अगर आपने फर्स्ट मे को लोन ले लिया है और लैंड परचेज कर लिया है और आपने लैंड परचेज कर लिया है लोन लेके आपने लैंड परचेज कर लिया है लेकिन फर्स्ट जून से आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है तो बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा पहला गलती दूसरा आपका पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है फर्स्ट जून से लेके ट्वेंटी एट मार्च दैट इज इक्वल्स टू नाइन मंथ्स तो आपको अकॉर्डिंगली इंप्लॉ कॉस्ट को और आपको ओवरहेड uh, को ध्यान से रखना होगा ओके okay? तीसरा गलती क्या हो सकता है तीसरा गलती क्या होगा डेप्रीसीशन आप पूरा एक साल का चार्ज कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा आपको एक मंथ का चार्ज करना है डेप्रीसीशन और क्या गलती हो सकता है बताओ इसमें और क्या गलती हो सकता है चलो बताओ तो मुझे फटाफट लिस्ट कराओ ये जीएसटी क्रेडिट को आप भूल जाओ जीएसटी क्रेडिट टू द ट्यून ऑफ फिफ्टी परसेंट को आप भूल जाओ चौथा जीएसटी क्रेडिट को आप मिस कर सकते हो तो वो मत भूलना पांचवा एबनॉर्मल कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट को आप मिस कर सकते हो तो कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पी पी एबनॉर्मल कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं पी एंड एल में भेजते हैं तो ये इस क्वेश्चन में पांच गलती थे जो हो सकते थे तो आई बिलीव अब आपको ये वाला गलती नहीं करोगे एग्जाम में बोलो हा कम टेल मी क्लियर क्लियर एवरी वन बोलो ओके okay. चल रहा हूं आगे तो हम लोग पढ़ रहे थे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे थे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और हमने उससे पढ़ा था कि कॉस्ट मॉडल और रिवाइल मॉडल अब आते हैं अगर कॉस्ट मॉडल पैसेट है अगर आपका अट कॉस्ट मॉडल पे है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्मेट डिप्रेशन माइनस एक्मेट इंपेमेंट लॉस इफ एनी यह आ जाएगा आपका कैरिंग अमाउंट लेकिन अब अगर आपका असेट फेयर वैल्यू मॉडल पे है रिवैल्यूशन मॉडल पे है तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा क्या आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा क्या मैं बताता हूं यहां कि लेट सपोज अगर आपका असेट का कॉस्ट था हंड्रेड लाइफ था पांच साल लाइफ था पांच साल तो ईयर एंड आपका डिप्रेशन कितना हो गया पर ईयर बताओ तो आपका डिप्रेशन पर ईयर कितना हो जाएगा बीस एक दो तीन चार पांच बीस बीस और आपने यहाँ पे कैरिंग अमाउंट निकाला साठ और आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू निकाला 90 तो आपका यहाँ पे आ गया रिवैल्यूशन गेन थर्टी का ओके उसके बाद आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन गया 90 अब यहाँ पे डेप्रेशन कितना आ जाएगा तीस तीस तीस, तीस राइट तो अगर आपको यहां पे कैरिंग अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालोगे सो दैट इज इक्व टू आज से ये फेयर वैल्यू माइनस एनी सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन माइनस एनी सब्सिक्वेंट इज दैट क्लियर एवरी वन माइनस एनी सब्सिक्वेंट एक्टेड इंपेयरमेंट तो ये बात ध्यान में रखना कि फेयर वैल्यू निकालने के बाद डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता है फेयर असेट के फेयर वैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज होता है ओके okay? नाउ हम लोग कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूशन मॉडल क्लास ऑफ असैट वाइज लगाते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया अब अगर हम लोग रिवैल्युशन मॉडल लगाते हैं अगर हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे रिवेल्यूशन मॉडल लगाते हैं तो क्या हमें हर साल असेट को फेयर वैल्यू पे लाना होगा क्या क्या हमें हर साल असेट को फेयर वैल्यू पे लाना होगा क्या नहीं वेन द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट मटेरियली डेफर्स फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट मटीरियली डेफर फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असैट तो हमें अपने असेट को फेयर वैल्यू करना पड़ेगा जेनरली तीन से पांच साल में एक बार करते हैं जेनरली तीन से पांच साल में एक बार करते हैं लेकिन अगर आपका असेट का फेयर वैल्यू हाईली वॉलटाइल है तो एनुअल भी कर सकते हैं इज दैट क्लियर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्लियर है चलो आपका अब आप पढ़ना है आपको दो चीज और कि आपका रिवैल्युएशन गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है रिवैल्यूशन गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है समझो बात को अगर आपने रिवैल्यू किया आपने रिवैल्यू किया मेरे पास एग्जांपल है इसके लिए आपने रिवैल्यू किया और आपको रिवैल्युएशन में आ गया गेन तो क्या करोगे बताओ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने फिर रिवैल्यू किया फिर आ गया गेन तो कहां डालोगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने रिवैल्यू किया और रिवैल्यूशन में नुकसान आ गया तो कहां डालोगे बताओ रिवैल्यूशन में नुकसान आ गया कहां डालोगे पी एल में ना ये जाएगा आपका पी एंड एल में तो कहां जाएगा बताओ ओसीआई से एडजस्ट करेंगे वेरी गुड ओसीआई से एडजस्ट करेंगे फिर से रिवैल्यूशन लॉस आ गया तो कहां डालेंगे बताओ तो तो क्या बोलेंगे मेरा रिवैल में बैलेंस कितना था देखो तो 100 हंड्रेड प्लस एटीटी था माइनस फिफ्टी कर दिए तो 130 हो गया और मेरा आ गया 150 तो हम हम लोग लोग क्या बोलेंगे लो सबसे पहले तो आई में एडजस्ट करेंगे सबसे पहले तो हम लोग ओ में एडजस्ट करेंगे टू द ट्यून ऑफ हाउ मच वन एटी वन फिफ्टी फिफ्टी वन तक और एनी एक्सेस जो है उसको पी एंडल में डालेंगे ट्वेंटी उसको पी एंडल से करेंगे बोलो क्लियर है क्या ये तो ये वाला 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 पॉइंट तो आ आ जाओ जाओ पार्ट पार्ट देखो देखो जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ उतना ही देखना और कुछ मत देखना सिर्फ ये वाला पार्ट देखो और मुझे बताओ क्लियर है क्या रिवाल्यूशन गेन होगा तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सब्सिक्वेंटली अगर गेन हुआ तो फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेकिन अगर लॉस हो गया तो एडजस्ट द रवैल्यूशन लॉस फ्रॉम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू द एक्सटेंट क्रेडिट बैलेंस इज एक्सिस्टिंग इन द दिवैल्यूशन रिजर्व एनी एक्सेस लॉस टू पी एंड एल बोलो ये पार्ट क्लियर है क्या वंडरफुल चलो दूसरा एग्जांपल आपको फर्स्ट टाइम आपने रिवॉल्यूशन किया और आपको रिवॉल्यूशन में नुकसान हो गया तो कहां डालोगे इसको पीएंडल क्योंकि आपका इसका तो कोई ओसीआई है ही नहीं तो पीएंडल फिर रिवॉल्यूशन किया फिर रिवॉल्यूशन में नुकसान हो गया तो फिर कहां डालोगे पीएनडल ना फिर आपने रिवॉल्यूशन किया तो आपको रिवॉल्यूशन में गेन आया कितना का फिफ्टी नहीं लिखता हूं मैं इसको okay, रुक जाओ एक मिनट टू हंड्रेड लिखो हाँ अब बताओ ये रिवैल्यूशन में गेन आया दो सौ का अब बताओ क्या करना है इसको तो सबसे पहले जितना का अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड हाँ आपका फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया था इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं गाइस हल्का सा एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूं बेटर रहेगा आपके लिए रीवैल्यूएशन में लॉस आ गया था सेवेंटी का और रीवैल्यूएशन में गेन आ गया दो सौ का चलो हाँ तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूशन लॉस आया तो हंड्रेड एल फिर रिवैल्यूशन लॉस आया सेवेंटी का तो पी एल फिर रिवैल्युएशन का गेन आ गया 200 का तो कहां डालें तो बोलेंगे जितना रिवैल्युएशन लॉस पीएनडल में गया है जितना रिवैल लॉस पीएनडल में गया है उतना ही रिवैल्युएशन गेन को भी पहले पीएनडल में डालेंगे तो हम लोग बोलेंगे रिवैल्युएशन का जो गेन हो रहा है पहले पीएनडल में जाएगा कितना 100 प्लस इज वन अब बच कितना गया 30 ये 30 चला जाएगा आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्लियर तो चलो आ जाओ यहां पर अब सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ो बोलो क्लियर है क्या अब सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ो बोलो क्लियर है क्या द रिवॉल्यूशन लॉस इन पी एंड एंडल ना अगर फिर से रिवॉल्यूशन लॉस होता फिर से में डालो तो हमने 100 को पी एंडल में डाला था 70 को फिर से पी एंडल में डाला था रिवॉल्यूशन गेन 200 का हुआ था तो क्या बोला रेकग्नाइज द गेन इन पी एंडल टू द एक्सटेंट लॉस वॉज इनिशियली रेकग्नाइज इन पी एंडल तो हमने हमनेवेंटी का पी एंडल में डाला था

गेन आया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फिर रिवैल्यू किया फिर गेन आया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फिर रिवैल्यू किया रिवैल का नुकसान आया तो नुकसान को अदर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से से ही एडजस्ट करेंगे लेकिन रिजर्व ज्यादा का नुकसान हो गया तो जितना ज्यादा का नुकसान हो रहा है उतना को पी एंडल में डाल देंगे ओके नाउ फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किए नुकसान हो गया पीएडल सेकेंड टाइम रिवैल्यू किए फिर नुकसान हो गया पियडल थर्ड टाइम रिवैल्यू किए गेन हो गया तो जितना बोला जितना नुकसान को अपने पियडल में डाला था जितना नुकसान को आपने पिंड में डाला था उतना नुकसान को पहले उतना गेन को पहले आप पिंड में डालो उससे ऊपर जा उससे भी ज्यादा गेन है तो उसको आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से एडजस्ट एडजस्ट करो अड़्जस्ट नहीं उसमें रिकॉर्ड करो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करो बोलो क्लियर है ये वाला पार्ट फिर एक लाइन और आ रहा है एंटिटी कैन नॉट सेट ऑफ नेट ऑफ रिवॉल्यूशन गेन एंड लॉस ऑफ डिफरेंट एसेट्स इवन इफ दे बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ एसेट्स हम लोग uh, एक असेट दो असेट का रिवैल्यूशन गेन और लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं मतलब क्या बोलना चाह रहा है देखो यहां पे हमने ईयर वन में असेट ए को असेट ए को रिवैल्यू किया और मेरा रिवॉल्यूशन गेन आया पचास हमने ईयर टू में हमने ईयर टू में असेट बी को रिवैल्यू किया और रिवेल्यूशन लॉस आया तीस तो ये तो मेरा अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में चला गया होगा ना ये तीस क्या मैं बोल सकता हूं एडजस्ट फ्रॉम अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम कैन आई से एडजस्ट फ्रॉम अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम नहीं क्यों क्योंकि ये दोनों <coughs> क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एसेट्स हैं तो ये कहा जाएगा ये जाएगा पी एंड एल में बोलो क्लियर क्लियर है ये वाला पॉइंट भी तो ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्युएशन गेन और लॉस आई बिलीव इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन गेन और लॉस आई बिलीव इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वंडरफुल अब आता है जब भी हम लोग रिवॉल्यूशन गेन को अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं तो आपको मालूम होगा कि अदर किसिव इनकम में जो भी जाता है अदर इनकम में जो भी जाता है वो एक रिजर्व में एक्यूमिलेट होता है एक मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूं यहां पे, एक बेसिक चीज आपको बताता हूं यहां पे सुनने की कोशिश करना पी एंड एल लास्ट में, में जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है बताओ ये जो होता है इस कहा बैलेंस सीट में कहा एकट होता है बताओ तो एल का जो प्रॉफिट होता है ये बैलेंस सीट में कहा एकट होता है बताओ तो रिटेन अर्निंग्स में, तो? में होता है ना पीएनएल के बाद हम लोग बनाते हैं अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम

और एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल तो जो रिसाइक्बल होता है ना तो क्या होता है ऑन सेटलमेंट ये उठ के पी एंड एल में चल जाता है और जो नॉन रिसाइक्लेबल होता है वो उठ के वो उठ के रिटेन अर्निंग्स में जाता है तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में जाएगा जो पी एंडल में गया वो पी एंडल के थ्रू भी रिटर्न अर्निंग में जाएगा सो so अल्टीमेटली जाना सबको रिटेन अर्निंग्स में ही है ओके okay? नाउ बट पॉइंट कि कौन सा रिसाइकलेबल है कौन सा नॉन रिसाइक्लेबल है तो इसके लिए मैंने आपके लिए अगेन मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बताया था इसका ओसीआई रिजर्व का तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला पार्ट देख लेना बट अब हमारा आता है यहां पे क्या आ रहा है यहां पे है रिवैल्युएशन गेन यहां पे है रिवैल्युएशन गेन तो रिवैल्युएशन गेन बताओ तो क्या है रिसाइकलेबल या नॉन रिसाइक्लेबल Gain क्या है Recyclable या रिवे तो रिवॉल्यूशन गेन मैंने क्या बताया था बताओ तो नॉन रिसाइकलेबल तो ये कहा जाएगा रिवॉल रिजर्व रिवॉल्यूशन रिजर्व कैसे इसका life cycle कैसे चलता है जिस साल revolution reserve generate हुआ वो ओसीआई में जाएगा और फिर एक्यूमलेट होगा रिवॉल्यूशन रिजर्व में जिस साल रिवॉल्यूशन हुआ वो एक् रिकॉर्ड होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और जाएगा accumulate होगा रिवॉल्यूशन रिजर्व में नाउ ये रिजर्व को आपको अल्टीमेटली ट्रांसफर करना पड़ता है रिटेन को ये रिवैल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है रिटेन अर्निंग्स को देखिए देखो कि ये नॉन रिसाइक्लेबल है ना तो नॉन रिसाइक्लेबल रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है नाउ कम्स द क्वेश्चन हम लोग रिवेलुएशन रिजर्व को रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर तो कर देंगे लेकिन कैसे करना है तो उसका दो तरीका है रिवैलुएशन रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करने का दो तरीका है अप्रोच नंबर वन जब आप असेट को डी रेकग्नाइज कर रहे हो तो उस समय जिस दिन आप असेट को डी रेकग्नाइज कर रहे हो उस दिन असेट रिवैल्यूशन रिजर्व में उस असेट के रिवैल्यूशन रिजर्व में जितना भी बैलेंस होगा उसको उठा के आर आर में रिटेन अर्निंग्स में भेज देंगे उसको उठा के रिटेन रिटर्न में भेज देंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जिस दिन हमने PPE को को किया किया, है, तो तो जो भी PPE को किया, उसके जितना भी उसके जितना था, तो उसको हम लोग रिवैल्यूशन रिजर्व से उठा के रिटेन एंडक्स में भेज देंगे ऑन द डेट ऑफ डी रेकग्नि अप्रोच नंबर वन ये था अप्रोच नंबर टू क्या होता है अप्रोच नंबर टू क्या होता है रिवैल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू रिटेनिंग रिवैल्यूशन रिजर्व ट्रांसफर टू रिटेन रिमेनिंग लाइफ ऑफ दिसिएशन बाय अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन अब यह एक्सेस डेप्रेशन क्या होता है तो असेट को रिवैल्यू करने के कारण आपका डेप्रिसिएशन कितना से इनक्रीज कर गया असेट को रिवैल्यू करने के कारण आपका असेट कितना से आपका डिप्रेशन कितना से इंक्रीज कर गया उसको बोलते हैं एक्सेस डिप्रेशन और ये हर साल इतना एक्सेस डिप्रेशन का अमाउंट का आपको रिवैल्यूशन रिजर्व से उठा के रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो दो मेथड है आपका रिवैल्यूशन रिजर्व का ट्रीटमेंट का एक जब आपका असेट डी रिकॉग्नाइज हो रहा है तो पूरा का पूरा एक साथ ऑन द डेट ऑफ डी रिकॉग्निशन आप रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दोगे दूसरा ओवर द लाइफ ओवर द लाइफ ओवर द लाइफ ओवर द लाइफ हर साल ट्रांसफर कर रहे हो ओवर द लाइफ हर साल ट्रांसफर कर रहे हो ओवर द लाइफ बाई एन अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिशन एक्सेस डेप्रेशन टू इंक्रीज ऑफ डेप्रिशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन तो कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिशिएशन पोस्ट रिवैल्युएशन माइनस डेप्रिशन प्री रिशन आई बिलीव इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई बिलीव इट इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू Now. ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ हमेशा लेता हूं इंपेयरमेंट भी, भी लिया था मैंने ये क्वेश्चन इंपेयरमेंट में भी लिया था मैंने ये क्वेश्चन मैं यहां पे फिर से लूंगा ये वाला क्वेश्चन अभी आपके साथ बस एक काम कर दो इसको रिकवरेबल अमाउंट नहीं लेके फेर वैल्यू लिख दो बस हो गया अब क्या बोल रहा है ए लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी फॉर नाइन लाख में आपने एक मशीनरी को आपनेस किया है जिसका लाइफ टेन आपने ईयर लाख ,00 में परचेस ,00 तो किया गया नाइन लाख बाय टेन इज नाइनटी थाउजेंड पर ईयर बोला ईयर एंड टू पे आप आए तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया नाइन लाख माइनस नाइन्टी थाउजेंड इंटू टू तो नब्बे हजार इंटू दो हो गया एक लाख अस्सी हजार एक लाख अस्सी हजार पॉइंट टू

अब अब भला आप चल बोले, चलो ईयर सिक्स पे चलो ईयर एंड सिक्स कितना होगा पहले दो से छ में जाने के लिए चार साल लगता है नाउ और रिमेनिंग लाइफ था आठ साल तो हम लोग क्या बोलेंगे और डिप्रेशन पर ईयर कितना था 120 तो 120 ट्वेंटी इंटू फोर इज हाउ मच फोर एटी सो नाइन सिक्सटी माइनस फोर एटी इज फोर एटी और बोला यहां पे आपका फेयर वैल्यू है तीन लाख तो आपका रिवैल्यूशन का लॉस आ गया 180 अब रिवैल्यूशन का लॉस आया 180 तो हम लोग क्या बोलते हैं रिवैल्यूशन के लॉस को सबसे पहले आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से एडजस्ट करोगे उसके बाद अगर फिर से और ज्यादा रिवैल्यूशन लॉस है तो उसको हम लोग पी एंड एल में डाल देंगे नाउ हमारा रिवैल्यूशन गेन था दो तो अब बताओ यहां पे तो मेरे पास दो होना चाहिए लेकिन नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है

ट्वेंटी माइनस नाइनटी इज थर्टी थाउजेंड कितने साल के लिए चार साल के लिए सो थर्टी थाउजेंड इंटू फोर इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सो दो लाख चालीस हजार में से एक लाख बीस हजार तो ऑलरेडी रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो गया होगा सो वट इज दट इज द बैलेंस ऑफ रीवैल्युएशन रिजर्व ऑन ईयर एंड सिक्स तो दो लाख चालीस हजार माइनस थर्टी थाउजेंड इंटू फोर इज वन ट्वेंटी था हम लोग क्या बोलेंगे रिवैल्यूशन तो लॉस है वो चल जाएगा आपका पी एंड एल में बोलो क्या यह क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को क्या यह क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन बोलता कि मेरे कंपनी का पॉलिसी है ट्रांसफर एट द एंड ऑफ एट द डी रेक ऑफ मशीनरी जब मशीनरी डी रेकग्नाइज होगा तब तो क्या करते तब ये 240 पूरा का पूरा यहां पे 240 आ रहा होता क्योंकि कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं होता ट्रांसफर कब होगा यहां पे होगा ट्रांसफर कब होगा यहां पे होगा तो इस डेट पे तो पूरा आ रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा एडजस्ट कर देंगे सो वन एट्टी पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस रिवॉल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा तो उस केस में एंट्री क्या होता ओसीआई अकाउंट डेबिट टू अट वन एटी थाउजेंड पूरा का पूरा इनकम में चल जाता आई बिलीव ये वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा मैंने ये एग्जाम्पल आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया है एक ऑल अबाउट ओसीआई रिजर्व में पढ़ाया था एक मैंने आपको इम्पेयरमेंट में पढ़ाया एक मैं आपको पीपी में पढ़ा रहा हूं नंबर सब चीज सेम है ट्रीटमेंट सब चीज सेम है मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलो क्लियर है क्या क्लियर है क्या चलो एक बात और बता देता हूं अगर आप अप्रोच लेते हो एनुअल ट्रांसफर का अगर आप अप्रोच लेते हो एनुअल ट्रांसफर का और लेट सपोज आप ईयर एंड सिक्स पे ही असेट को डी रेकोग्नाइज कर दिए एंड सिक्स पे इज कर दिए तब भी तो आपके रिवेल्यूशन रिजर्व में कोई बैलेंस बचा होगा तब भी आपके रिवैल्यूशन रिजर्व में कोई बैलेंस बचा होगा बट क्योंकि हो रहा है आज तो हम लोग इसको पूरा का पूरा उठा के आ, आरी में ट्रांसफर कर देंगे इसको पूरा का पूरा उठा के आरी में ट्रांसफर कर देंगे मतलब असेट जैसे डी होता है जैसे ही असेट आपका डी हो रहा है रिवैल रिजर्व में उस असेट के रिवैल्यूशन रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए पूरा का पूरा आरी में ट्रांसफर हो जाएगा जो भी बैलेंस बचा वो आरी में ट्रांसफर हो जाएगा क्लियर एवरी वन चलो बढ़िया तो हमने पढ़ लिया ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूशन रिजर्व भी इफ दो ऑप्शन था एक ऑप्शन है आपका यहां पे डी रिकॉग्निशन या डिस्पोजल के टाइम पे या ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाय अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन नाउ अगर एंटिटी ऑप्शन नंबर टू चूज करता है तो स्पेशल रिजर्व कंसिडरिंग ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिटर्न एग्जाम्पल ले लिया हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया है ऑलरेडी आई बिलीव आपको यह वाला पॉइंट क्लियर होगा आई बिलीव आपको यह वाला पॉइंट क्लियर होगा राइट right? चलो अब मैं चल रहा हूं आपके साथ रिवैल्युएशन का अप्रोच रीवैल्यूएशन का अप्रोच तो रीवैल्यूएशन दो अप्रोच से होता है तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता हूं आपको आ जाओ hmm. तो एक क्वेश्चन है आपके पास जुपिटर लिमिटेड हैज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विथ एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक लाख एट द डेट ऑफ रिवैल्युएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू फिफ्टी फाइव थाउजेंड फेयर वैल्यू ऑफ द असेट उजेंड है तो कैसे होगा कॉस्ट एक लाख है आपका एक्डेप है फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो कैरिंग अमाउंट आ गया फोर्टी फाइव थाउजेंड ओके तो अब दो तरीका होता है एक होता है डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन मेथड उसमें हम लोग क्या करते हैं पहले एक्डेप को पूरा एलिमिनेट करते हैं फिर असेट को रिवैल्यू करते हैं तो हमने क्या किया इसमें पहले एक्डेप को पूरा एलिमिनेट किया एलिमिनेट किया मतलब एक्डेप का तो क्रेडिट बैलेंस होता है एक्डेप का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमने क्या किया पहले उसको डेबिट किया असेट के ग्रॉस ब्लॉक से एडजस्ट किया तो अब आपका असेट का ग्रॉस ब्लॉक कितना हो गया 45,000 आपको लेके कहां तक जाना है 65,000 तो क्या करो आप असेट को इंक्रीज कर दो असेट अकाउंट डेबिट टू ओसीआई 20,000 डन हो गया सिंपल दूसरा होता है री अप्रोच दूसरा होता है री अप्रोच अब ये री अप्रोच में क्या होता है आप कॉस्ट को भी बढ़ाते हो एक्डेप को भी बढ़ाते हो सो दैट इफेक्टिवली येट ब्लॉक इंक्रीजेस नेट ब्लॉक ऑटोमेटिकली इनक्रीजेस नाउ कैसे तो बोला आपके असेट का कॉस्ट इतना था एक्डेप इतना है कैरिंग अमाउंट इतना आया तो अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है अब देखो कि ये जो 45 है आपको इसको लेके जाना है 65 में तो कितना इंक्रीज हुआ कितना परसेंट तक इंक्रीज करना है हमें तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड 45,000 65,000 फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड डिवाइड 144.44 फोर्टी फाइव थाउजेंड दैट बोला इसी अमाउंट से यहां तक इसको बिला दो वन हंड्रेड वन लाख को इतना परसेंट से इंक्रीज कर दो कितना परसेंट से फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर परसेंट से इंक्रीज कर दो उसको इंक्रीज कर दो तो कितना इंक्रीज होगा बताओ तो लाख को 44.44 परसेंट से इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा 44,444. नाउ अगर आप पचपन हजार को इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा पॉइंट इट इज ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फोर 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 तो आपने क्या किया ग्रॉस ब्लॉक को इंक्रीज किया 44,444. फोर एक्डेप को इंक्रीज किया 24444 तो नेट में मेरा डिफरेंस कितना आ गया 20000 का तो ये चला गया मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये चला गया मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो हमने रीस्टेट कर दिया कॉस्ट को एक्डेप को सो दैट ऑटोमेटिकली योर नेट अमाउंट इंक्रीजेस सो दैट ऑटोमेटिकली योर नेट अमाउंट इंक्रीजेस बोलो क्लियर है क्या रीवैल्यूएशन अप्रोच क्लियर है क्या आप लोग को तो रिवैल अप्रोच दो तरह का होता है डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन और रीस्टेटमेंट डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन में पहले हम लोग को एडजस्ट uh, करते हैं पूरा का पूरा अट के कॉस्ट के साथ फिर असेट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं with other Now, फिर रीस्टेटमेंट में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं असेट का वैल्यू जो कैरिंग अमाउंट है और जो फेयर वैल्यू है उसमें कितना का इंक्रीज है उतने ही अमाउंट से कॉस्ट को और एक्डेप को इंक्रीज कर देते हैं रीस्टेट स्टेट करते इंक्रीज कर देते हैं और जितना से इंक्रीज हुआ असट अकाउंट डेबिट टू एक्डेप जितना डिफरेंस होगा वो आपका आ जाएगा रिवैल्यूशन गेन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओके तो ये हो गया आपका रिवैल्यूशन गेन वंडरफुल यहां तक क्लियर है क्या आपको तो हमने पढ़ लिया पीपी -पी का मीनिंग पीपी -पी का रेकॉग्निशन प्रिंसिपल पीपी का इनिशियल मेजरमेंट पीपी का मेजरमेंट। तक आई बिलीव आप लोग सबको क्लियर होगा अब आते हैं हम लोग एक एग्जाम एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पे बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये वाला लिमिटेड का, जो मैंने आपको क्लास में भी कराया है आपके साथ टेस्ट में भी डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन हमने

कितना साल हो गया परचेस किए दो तीन चार पांच छ पांच साल हो गया पांच साल हो गया असेट को परचेज हुए फाइव ईयर्स असेट यूज हो गया है फाइव ईयर्स का ऑन फर्स्ट अप्रिल टू जीरो एक्स सिक्स नाउ

मैं एक बात बता दूं आपको जो मैंने आपको रिवैल्युएशन रिजर्व का जो दो ट्रीटमेंट बताया था मैंने जो आपको रिवेल्यूशन रिजर्व का दो ट्रीटमेंट बताया था दैट इज ट्रांसफर एट डी टू रिटेन या ट्रांसफर ओवर द लाइफ एक बात समझो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग ऑप्शन नंबर वन सेलेक्ट करेंगे मतलब ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट विल ट्रांसफर द एंटायर रिवैल्यूएशन रिजर्व टू अर्निंग्स लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर टू यूज करेंगे एनुअल ट्रांसफर वाला अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है तो अदरवाइज नहीं मैं लिख भी देता हूं अपने नोट्स पे ऑन डी रिकॉग्निशन तो बाय डिफॉल्ट ओके ऑप्शन नंबर टू एनुअल ट्रांसफर वाला ओनली इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो ही नहीं तो नहीं ओके okay? नाउ यहां पर बोल दिया है एनुअल ट्रांसफर

कैसे होगा यहां पे तो अब यहां पे सिंपल सा पॉइंट है इस क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है अगर आप समझ पा रहे हो तो एक डेटा मिसिंग है क्या यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट डेप्रिसिएट नहीं कर पाएंगे तो कैरिंग अमाउंट कैसे ढूंढेंगे कैरिंग अमाउंट नहीं ढूंढ पाएंगे तो रिवेल्यूशन गेन और लॉस का अमाउंट कैसे ढूंढेंगे राइट right? तो हमें इसलिए चाहिए यूजफुल लाइफ हमें चाहिए यूजफुल लाइफ तो कैसे निकालेंगे यूजफुल लाइफ बोला आपका असेट का जो लाइफ था यहां पे फर्स्ट अप्रैल एक्स वन में हमने परचेस किया था और फर्स्ट अप्रैल एक्स सिक्स तक कितना साल हो गया पांच साल हो गया और इस पांच साल में हमने कितना का डेप्रिसिएशन लगाया होगा बताओ तो तीस लाख में परचेस किया था और मेरा डब्ल्यू आज है सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो मैंने हमने डेप्रिसिएट किया है ट्वेल्व लाख और डेप्रिसिएशन है हमारा एस मेथड पे तो हमारा पर ईयर का डेप्रेशन कितना हो गया पर ईयर का डेप्रेशन कितना हो गया ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव इज टू पॉइंट फाइव लैख हमारे असेट का कॉस्ट कितना था थर्टी लैख थर्टी डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव कितना हो गया ट्वेल्व ईयर्स तो लाइफ कितना हो गया ट्वेल्व ईयर्स। बोलो क्लियर है क्या अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है नहीं समझ में आया है, तो मैं समझाता हूं आपको डेप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट कॉस्ट नहीं डिप्रीसीबल अमाउंट ऑफ द असेट डिप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय

अब ये क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं बचा है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए अब एक नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है कोई भी दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है फिर भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूं आपने परचेज किया था टू जीरो एक्स वन में और टू जीरो एक्स सिक्स को कैरिंग मोट इतना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे टू जीरो एक्स वन में आएंगे तीस लाख ,00 में परचेज़ किए डेप्रेशन किए इतना और ईयर एंड पे आए फिर ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बचा डेप्रिसिएट किए क्लोजिंग पे आए ईयर थ्री पे ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्लोजिंग ईयर फोर पे ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्लोजिंग 5 पे ओपनिंग डेप्रिसिएशन ईयर फाइव पे ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्लोजिंग ये आ गया ईयर एंड फाइव पे सेवनटीन पॉइंट फाइव और बिगिनिंग ऑफ ईयर सिक्स पे सेवनटीन पॉइंट फाइव बिगिनिंग ऑफ ईयर सिक्स पे सेवनटीन पॉइंट फाइव अब क्या बोल रहा है देखो बिगिनिंग ऑफ ईयर सिक्स मतलब कहां पे आ गए हैं हम लोग ऑन फर्स्ट अप्रैल टू एक्स जीरो सिक्स जो क्वेश्चन में डेटा बोल रहा था आपको क्या बोल रहा है द कंपनी ऑन फर्स्ट अप्रिल टू जीरो अपवॉर्ड रिवैल्यू करना है दस परसेंट से तो करो कितना आ जाएगा दस परसेंट से अपवर्ड रिवैल्यू करोगे इसका दस परसेंट तो कितना हो गया सेवन वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड राइट अब आपको बताओ रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है बारह साल का लाइफ था पांच साल बीत गया तो रिमेनिंग लाइफ कितना बचा सात साल आपका असेट का वैल्यू कितना है इतना अब असेट का वैल्यू कितना है इतना राइट right, तो हमें इसको डेप्रीसिएट कैसे करना पड़ेगा ओवर सात साल डेप्रीसिएट ओवर सात साल कितना हो जाएगा सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस वन लाख सेवन सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय सेवन इस टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का हो गया आपका डेप्रिसिएशन और ये हो गया आपका क्लोजिंग अमाउंट बोलो क्लियर है क्या है क्वेश्चन फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे पढ़ो ऑन वन फोर एक्स जीरो आ गया इतना और ये आ गया आपका इस साल का बन गया ओपनिंग इतना इस साल का ओपनिंग बन गया आपका इतना अब क्या बोल रहा है यहां पे आपको हो रहा है डाउनवर्ड रिवैल्यू बाय 15 परसेंट डाउनवर्ड रिवेल्यू बाय 15 परसेंट तो मुझे बताओ आपका यहां पे रिवैल्युएशन का लॉस होगा कितना वन थर्टी सेवन थर्टीन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का 15 परसेंट फिफ्टीन परसेंट है ना हाँ टू पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव का आपका हो गया रिवैल्यूशन का लॉस तो नाउ पॉइंट इज कितना जाएगा रिवेल्यूशन लॉस ये जो है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा तो आपने रिवेल्यूशन किया कितना था 175 का तो हम लोग बोल दे क्या 2.0625 को 175 सेवनटी फाइव तक अदर कॉम्प्रीहसि इनकम में डाल दो रिमेनिंग को आप पी एंड्रेड में डाल दो ऐसा बोल सकते हैं क्या नहीं क्यों बिकॉज देर इज अ पॉलिसी ऑफ एनुअल ट्रांसफर देर इज अ पॉलिसी ऑफ एनुअल ट्रांसफर नाउ वॉट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल ट्रांसफर एक्सेस डिप्रेशन कितना है माइनस डिप्रिसन रिवैल्यूशन के पहले कितना है तो ये दोनों अमाउंट तो आपके पास अवेलेबल है डिप्रेशन जो है टू सेवेंटी फाइव रिवैल्यूशन के पहले था टू फिफ्टी एक्सेस कितना हो गया पच्चीस हजार राइट right? तो अब आपका साल कितना बीता है ये आपने किया था वन फोर टू एक्स जीरो सिक्स को अभी आप कहां खड़े हो वन फोर टू एक्सरो साल हो गया दो साल हो गया राइट right? तो दो साल मतलब पच्चीस हजार इंटू दो इज पचास हजार तो आपका बैलेंस कितना बचा होगा वन सेवेंटी फाइव माइनस फिफ्टी थाउजेंड इज वन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो बोला वन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक हम लोग इसको अदर कॉम्प्रीहसि रिजर्व एडजस्ट करेंगे अब बचा कितना टू जीरो सिक्स टू फाइव जीरो माइनस वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट वन टू फाइव जीरो जाएगा आपका पी एंड एल से ये जाएगा आपका पी एंड एल से ओके okay? नाउ अब आपका बताओ यहां पे असेट का वैल्यू कितना बचा असेट का रिवाइज वैल्यू कितना हो गया थर्टीन पॉइंट जीरो सेवन फाइव थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव Is और remaining life कितना कितना है है बताओ तो दो साल, साल, साल लाइफ का और बीत गया तो सात साल का लाइफ बीत गया सात साल का लाइफ बीत गया तो रिमेनिंग लाइफ इज फाइव इन लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोल रहे के देखो तो? हाँ बोल रहे है ऑलसो रीअेज द रिमेनिंग लाइफ टू बी एट ईयर तो आइडियली बच तो रहा सात साल लेकिन आपको इसको एट ईयर डिप्रीसिएट करना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाई एट कितना हो गया वन फोर सिक्स जीरो जीरो नाइन फोर वन फोर सिक्स जीरो नाइन फोर और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बन गया यह बन गया आपका क्लोजिंग बैलेंस यह बन गया आपका क्लोजिंग बैलेंस सिमिलरली यह क्लोजिंग आपका ओपनिंग बन गया यहां पर बन गया ओपनिंग अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से आगे पढ़ो आपने थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स जीरो को असेट को बेच दिया तो अब हमें थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स जीरो का हम लोग कहां खड़े हैं वन फोर एक्स नाइन थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स जीरो में जाने तक हमें लगाना पड़ेगा डिप्रशियशन तो डिप्रेशन का अमाउंट तो यही सेम रहेगा यहां पर डिप्रेशन का अमाउंट तो सेम रहेगा वन फोर सिक्स जीरो नाइन फोर वन फोर सिक्स जीरो नाइन फोर अब आपने इस असेट को बेचा कितने में नाइन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड में जो डिफरेंस हो रहा है आपका वो गेन या लॉस हो जाएगा

ज दैट क्लियर एवरी वन कम गाइस चलमी चलो बढ़िया तो मैं working मैंने इसका वर्किंग मैंने आईसीआई से लेके यहां पे पेस्ट कर दिया है फॉर योर नॉलेज ठीक है आगे चलते हैं गाइस एक मिनट सो so, तो अभी तक हमने फटाफट अभी तक क्या पढ़ लिया मैं को हल्का सा एक मिनट एक में रिकैप करता हूं उसके बाद जो भी अब अब जो टॉपिक्स है ना वो इजी गोइंग है वो इजी गोइंग है नाउ तो हमने अभी तक लोग अभी तक क्या पढ़ा यहां पे सिंपल सा कि पीपी -पी क्या होता है रिकॉग्निशन uh, प्रिंसिपल क्या होता है इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट और रिवॉलेशन मॉडल पे होता है दोनों में बीच में डिफरेंस क्या होता है कब रिवॉल मॉडल लगता है क्लास ऑफ असर्ट्स क्या होता है रिवॉल्यूशन का अप्रोच क्या होता है रिवॉल्यूशन का गेन का ट्रीटमेंट क्या होता है रिवेलुशन का लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है रिवॉल्यूशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या, क्या होता है हमने ये सब सब चीज पढ़ा और उसके पास क्वेश्चन भी देख लिया अब मेरे पास एक पॉइंट है दैट इज सबसिक्वेंट कॉस्ट मतलब असेट के लाइफ में ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट हो सकता है कुछ कॉस्ट लगा हो, हो सकता है कुछ कॉस्ट लगा हो तो उस कॉस्ट जो भी लगा है हमें जो कॉस्ट लगा है सब्सिक्वेंटली उस कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा उस कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा तो स्टैंडर्ड बोलता है दिस कॉस्ट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप इट कैन बी इन द नेचर ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इट कैन बी दचर ऑफ इंस्पेक्शन या ओवरऑल कॉस्ट इट या फिर इट कैन बी द नेचर ऑफ रीप्लेसमेंट ऑफ अ कॉम्पोनेट इट कैन बी द नेचर ऑफ रीप्लेसमेंट ऑफ अ कॉम्पोनेंट तो बोला इस कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा इस कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा बोला इफ दीज कॉस्ट इंक्रीजेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द असेट तो हम लोग इस कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे अदरवाइज ये कॉस्ट पी पीएनएल में चल जाते हैं जैसे एग्जाम्पल डे टू डे रिपेयर में जाएगा मेजर रिपेयर कुछ मेजर रिपेयर हुआ है जिसके कारण असेट का इकोनॉमिक बेनिफिट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है तो ये कैपिटलाइज होगा इंस्पेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होता है रिप्लेसमेंट कैपिटलाइज होता है ओके okay? नाउ तो अब मेरे पास इसके लिए दो एग्जांपल है मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस करता हूं तो दो एग्जाम्पल है रिप्लेसमेंट का और यही सेम अकाउंटिंग अप्लाई होगा इंस्पेक्शन पे भी सेम अकाउंटिंग अप्लाई होगा इंस्पेक्शन पे भी ओके okay, तो हम लोग यहां पे रिप्लेसमेंट पे कंपोनेंट अकाउंटिंग लगाते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग लगाते हैं इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस डेफिनेटली विल अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग तो मैं आपको बता रहा हूं रिप्लेसमेंट विद कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग रिप्लेसमेंट विदाउट कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग दोनों का ही एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं ये एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए हुए हैं

ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था दोनों का लाइफ डिफरेंट था तो हमने तो हमने उसको सेपरेटली डेप्रिसिएट किया होगा कंपोनेंट अकाउंटिंग लगाते हुए तो हमने क्या किया बोला कॉस्ट मेरा लगा है सौ लाख का टर्बाइन का टर्बाइन का कॉस्ट है थर्टी लैक्स रेस्ट ऑफ द मशीन का कॉस्ट है सेवेंटी लैक्स टर्बाइन का लाइफ है फोर ईयर्स तो डिप्रीशियन कितना हो गया सेवन पॉइंट फाइव पर ईयर सेवन पॉइंट फाइव पर ईयर रेस्ट ऑफ द मशीन का कॉस्ट है आ, सेवेंटी लैक्स और लाइफ है टेन ईयर डिप्रेशन कितना हो गया सेवन पर ईयर डिप्रेशन कितना हो गया सेवन पर ईयर तो आपको डिप्रेशन पर ईयर तो मालूम चल गया डिप्रेशन पर ईयर तो मालूम चल गया अब हमें पहुंचना है ईयर एंड थ्री पे पहुंचना है हमें ईयर एंड थ्री पे तो बताओ वट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन कैसे निकालोगे तो बताओ टर्बाइन का लाइफ था चार साल और आपने यूज कर लिया है तीन साल तो डेप्रेशन पर ईयर हो गया था 7.5 पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव इंटू थ्री टू ट्वेंटी टू का डेप्रिसिएट हो गया तो 30 30 माइनस ट्वेंटी टू इज 7.5 32 माइनस इज नाउ सिमिलरली रेस्ट ऑफ द मशीन का कॉस्ट था 70 लाख रेस्ट ऑफ द मशीन का कॉस्ट था 70 लाख

लेकिन यहां पर ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है मतलब आपने क्या किया होगा आपने क्या क्या होगा हंड्रेड लैक्स को पूरे टेन ईयर्स में नॉर्मली डेप्रिसिएट किया होगा तो ईयर एंड थ्री में आपका कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा सेवेंटी लैख राइट सो so, कॉस्ट हंड्रेड लाख है लाइफ टेन इयर्स है डेप्रेशन पर ईयर हो गया आपका टेन सो टेन इंटू थ्री इज थर्टी सो हंड्रेड माइनस थर्टी इज सेवेंटी क्लियर नाउ अब यहां पे क्या बोल रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वन ऑफ द मेजर कॉम्पोज द टर्बाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट अस फर्दर मेंस इज अन इकोनॉमिकल हमें टर्बाइन को रिप्लेस करना है अब अगर हमें टर्बाइन टर्बाइन को रिप्लेस करना है तो हमने आपको यह बताया है कि जिसको भी रिप्लेस करना है उसके कैरिंग अमाउंट को डी रेकोग्नाइज करो कॉस्ट को रेकोग्इज करो कैरिंग अमाउंट को डी रेकग्नाइज करो कॉस्ट को रेकोग्नाइज करो अब हमें यह निकालना पड़ेगा कि इस सेवेंटी में टर्बाइन का कैरिंग अमाउंट क्या है हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि हमें मालूम ही नहीं ना कि इस हंड्रेड में टर्बाइन का कॉस्ट क्या था हमने कितना डिप्रिसिएट किया इसमें कितना आ रहा है हमें ये नहीं मालूम है तो अब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कुछ अजम्पन हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे कुछ अजम्पन्स और कैसे लगाएंगे एजमसंस देखो तो, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ईयर एंड थ्री पे जो हमने मशीन को परचेज किया है वो परचेस किया 45 लाख में तो अज्यूमिंग यहां पे भी प्राइस सेम होगा बस जो प्राइस चेंज हुआ होगा वो इन्फ्लेशन के कारण चेंज हुआ होगा तो एडजस्टिंग इट फॉर इन्फ्लेशन व्हाट विल बी द कॉस्ट हियर व्हाट वुड द कॉस्ट हियर तो हमारा इंटरेस्ट रेट है 5 परसेंट पर है ना हमने 5 परसेंट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो यह आ गया मेरा थर्टी इसको हमने डिप्रिसिएट किया होगा ओवर टेन ईयर्स तो व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट यहां पे तो हम लोग क्या कैसे निकाले तो निकालेंगे कैरिंग अमाउंट तो ये निकालेंगे थर्टी एट पॉइंट एट सेवन थर्टी एट पॉइंट एट सेवन माइनस थर्टी एट पॉइंट एट सेवन डिवाइडेड बाई टेन इंटू तीन साल तो ये निकल के आ गया ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू वन ये निकल के आ गया, गया 27.21 तो हम लोग क्या करेंगे इस 27.21 को डी रेकनाइज करेंगे 45 को रिकग्नाइज करेंगे और रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा जर्नल एंट्री तो सेम ही रहेगा ओल्ड मशीन को हटाने का ओल्ड मशीन को हटाने का टर्बाइन को हटाने का एंट्री हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मशीन न्यू टर्बाइन को लगाने का टर्बाइन अकाउंट डेबिट टू बैंक या मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 45

अब आते हैं हम लोग कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पे कुछ कुछ स्पेसिफिक मोड्स पे तो अगर आपका स्पेसिफिक मोड्स हमने अभी तक क्या पढ़ा अगर आपने एसेट को परचेस किया है तो क्या अकाउंटिंग होगा अब हम लोग पढ़ रहे अगर आपने को कराना है, तो क्या अकाउंटिंग होगा केस में आपको अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो सिमिलर प्रिंसिपल से लगेगा लेकिन एक बात एडिशनल है कि आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल जो भी एब मिनट जो भी आपका एबनॉर्मल कॉस्ट लग रहा है एबनॉर्मल वेस्ट हो रहा है तो उसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे उसको आप उठा के पीएनएल में डाल दोगे उसको आप उठा के पीएंडल में डाल दोगे ओके एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड लेबर मटीरियल एंड अदर रिसोर्सेज इज नॉट कंसिड इन द कॉस्ट ऑफ द सेट एबनॉर्मल वेस्ट इज रिकनाइड इन पी एंड एल क्लियर

और इसको हम लोग सेटल कैसे करेंगे यहां पे 33 लाख ,00 पे करेंगे यहां पे 33 लाख ,00 पे करेंगे यहां पे 33 लाख ,00 पे करेंगे तो हमने कैसे निकाला था हमने बोला था ये तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू पे ही है इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालो इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालो जो प्रेजेंट वैल्यू आया मेरा हम लोग उस पर ही कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं ये मेरा कॉस्ट ऑफ पीपी हो गया ना अब क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है प्रेजेंट वैल्यू निकाला है तो हमने इसका मतलब हमने इतने अमाउंट का मार्केट से लोन लिया है इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू लोन लिया है मार्केट से राइट तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर अनवाइंडिंग करेंगे अनवाइंडिंग

सो so, मैं लिख भी दे रहा हूं लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस मतलब लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस मतलब इट इज एन एक्सचेंज ऑफ सिमिलर आइटम्स बिटवीन एंटिटीज इन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस तो इसको बोलते हैं हम लोग लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस तो बोला अगर कमर्शियल सब्सटेंस है अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो आप देखो आपने दिया क्या आपने दिया क्या फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन फेयर वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन गिवन तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन आप प्लस अगर आपने कोई कैश दिया है तो वो कैश गिवन अप माइनस अगर कोई कैश मिला है तो माइनस कैश रिसीव्ड माइनस कैश रिसीव व्हाट इज द नेट अमाउंट दैट यू हैव गिवन नाउ अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ अट गिवन अप नहीं मालूम है तो यू कैन रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड डायरेक्टली यू कैन रिकॉर्ड फेयर वैल्यू ऑफ वैल्यूट रिसीव्ड डायरेक्टली अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ वैल्यूट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ अट रिसीव्ड दोनों ही नहीं मालूम है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे तो एट कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एट कैरिंग अमाउंट ऑफ गिंगट गिवन अप ओके okay? नाउ अगर ट्रांजेक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है तो रिकॉग्नाइज पीपी एट कैरिंग अमाउंट ऑफ असट गिवन अप प्लस कैश गिवन माइनस कैस रिसीव क्लियर एवरी वन क्लियर एवरी वन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू ऑफ वट यू हैव गिवन फेयर वैल्यू ऑफ वट यू हैव गिवन अट गिवन ओके कैश गिवन ओके कैश रिसीव्ड ओके ओके तो ये हो जाएगा अगर कमर्स कमर्शियल सब्सटेंस है तो Now, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप नहीं मालूम है तो ले लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड अब फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड ले रहे हैं तो कोई भी कैश गिवन अप कैश रिसीव्ड कुछ नहीं आएगा यहां पे ना अगर दोनों ही फेयर वैल्यू नहीं मालूम है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप इस पे मेरे पास फटाक से दो क्वेश्चन है मैं वो करा देता हूं आपको ये करा दिया ये करा दिया ये भी करा दिया ये भी करा दिया ये भी करा दिया ये कराना है मुझे आपको हा क्या बोल रहा है एंटिटी एक्स इज ए वेयर हाउस विच इज क्लोजर टू फैक्ट्री टू द फैक्ट्री ऑफ एंटिटी वाई एंड वाइस वर्सा फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन द सेम विसिनिटी एंटिटी एक्स एंड एंटिटी वाई अग्री टू एक्सचेंज देयर वेयर हाउस

तो हमें क्या करना है प्राइवेट जेट को किस और फिर क्या बोल रहा है और भी कुछ बोला है देखो तो एंड पेडिशनल थ्री मिलियन इन कैश मिलियन कैश में पे किया है बोला अकाउंटिंग क्या होगा प्लूटो के बुक्स में बताओ और वेंडर के बुक्स में बताओ पहले मुझे बताओ क्या आर दे एक्सचेंज ऑफ सिमिलर आइटम्स नो तो कमर्शियल है तो हम लोग किस किसपे रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ असट गिवन अप तो हमारा प्लूटो ने क्या दिया है लैंड बिल्डिंग उसका फेयर वैल्यू क्या है पंद्रह तो मेरा

बोलो क्लियर है क्या क्लियर है एक्सचेंज सिमिलरली सिमिलरली ये ये भी भी अकाउंटिंग अकाउंटिंग कर कर लेगा कर लेगा राइट right? इसके लिए बताओ तो लैंड बिल्डिंग ये लिया है तो इसके लिए लैंड बिल्डिंग का फेयर वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो इसने दिया क्या है प्राइवेट जेट ट्वेंटी मिलियन और इसको मिला क्या है कैश तो माइनस थ्री सेवनटीन मिलियन में रिकॉर्ड करेगा लैंड और बिल्डिंग को वेंडर जो है सेवेंटीन मिलियन में रिकॉर्ड करेगा लैंड और बिल्डिंग को ठीक है तो उस पर अकाउंटिंग कर लेना अपना आराम से चलो आगे चल रहे हैं तो एक्सचेंज भी हो गया आपका सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी हो गया ये सब सब हो गया सब हो गया सब हो गया 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 हाँ, स्पेशल केसेस अब आता है इंसिडेंटल ऑपरेशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहां पे कि आप जब लेट सपोज आप वेयरहाउस बनाना था वेयरहाउस बनाने के टाइम पे आपको लगा कि टेम्पररीली हम लोग इसको कार पार्किंग बना देते हैं तो कार पार्किंग बनाने में जितना खर्चा लगा और कार पार्किंग बनाने से जो इनकम आया बोला दोनों को ही उठा के पी एंड एल में भेज डालो दोनों को ही उठा के पी एंड एल में भेज डालो नाउ तो ये हो गया आपका इंसिडेंटल ऑपरेशंस। फिर क्या बोल बोला टाटा को एक, एक फैक्ट्री बैठाना कंट्रोल नहीं करता है क्योंकि रोड जनरल पब्लिक भी यूज करती है तो क्या इस रोड को हम लोग अपने बुक्स में रिकग्नाइज कर सकते हैं क्या इस रोड को हम लोग अपने बुक्स में रिक्गनाइज कर सकते हैं तो आंसर इज यस हम लोग इसको रेकनाइज कर सकते हैं इसको हम लोग रेकग्नाइज कर सकते हैं क्या बोल रहे यहां पे देखो तो Uh, construction of railway sidings road and bridges with no ownership are also available for use to other entities and public at large

मेन असेट टू जनरेट इकोनॉमिक करेंगे हम लोग स्पेयर पार्ट स्टैंड बाय इक्मेंट सर्विसिंग बोला स्पेयर पार्ट स्पेयर पार्ट्स बहुत तरह के होते हैं जैसे लैपटॉप का स्पेयर हो गया कैमरा का स्पेयर हो गया माइक का स्पेयर हो गया राइट तो बोला जो भी स्पेयर पार्ट है ना उसका देखो नेचर क्या है अगर वो पीपी का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो स्पेयर पार्ट पीपी -पी में आएगा जैसे मेरे पास एक एडिशनल लैपटॉप है तो वो पीपी -पी में आएगा लेकिन मेरे पास बहुत सारे एडिशनल जो वायरिंग लगते हैं वो वायरिंग जो कंज्यूबर जो मेरे पास बैटरी है जो हर जगह बैटरी लगती है ना हर कैलकुलेटर में बैटरी लग रही है इसमें बैटरी लग रही है उसमें बैटरी लग रही है माइक में बैटरी लग रही है जो बैटरी लग रही है तो वो बैटरी क्या कंज्यूमेबल्स है तो वो इन्वेंट्री का डेफिनेशन को मीट करता है तो वो इन्वेंट्री होगा तो बोला जो आपके पास स्पेयर पार्ट से स्टैंड बाय इक्विपमेंट से देखो वो डेफिनेशन किसका मीट कर रहा है अगर पीपी का डेफिनेशन मीट कर रहा है तो पीपी अगर नहीं तो वो इन्वेंट्री बन जाएगा आपको आपका हो गया है, आपका हो गया है, उसके लिए डैमेज तो हुआ है उसका इंपेयरमेंट करोगे, करोगे दोनों का अकाउंटिंग सेपरेट सेपरेट होगा ओके ग्रांट रिसीव हुआ है तो इसका अकाउंटिंग इंडेस ट्वेंटी गाइड करेगा मैं इंडे ट्वेंटी बताऊंगा तो ये हो गया स्पेशल केसेस अब आ रहा हूं मैं आपसे चेंज इन डी कमिश्निंग लायाबिलिटीज एक मिनट ना चेंज इन डी कमिश्निंग लायाबिलिटीज तो अब बोल रहा है जो आपका डिकमिशनिंग लाइब्रेरी था वो तो एक एस्टिमेट था राइट आपने फ्यूचर के कॉस्ट को एस्टिमेट किया था उसके बाद उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाला था और फिर प्रेजेंट वैल्यू को असेट में कैपिटलाइज किया था और इस प्रेजेंट वैल्यू को हर साल अनवाइंड करके फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और एट एट द एंड ऑफ द लाइफ इसको हम लोग पे कर देंगे लेकिन यह सारा काम का जो बेस था वो था एस्टिमेट वो था एस्टिमेट तो अगर ये एस्टिमेट का नेचर क्या होता है एस्टिमेट का नेचर होता है कि ये बदल सकता है अगर ये एस्टिमेट चेंज हो गया तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे तो बोला आपको यहां पे ट्रीटमेंट दो पार्ट्स में समझना पड़ेगा अगर आपका असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो क्या ट्रीटमेंट होगा या फिर अगर आपका असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो क्या ट्रीटमेंट होगा नाउ तो अगर आपका असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो पता है क्या करोगे आप आप देखोगे जो असेट चेंज हो रहा है उसके कारण आज मेरा आज का मेरा प्रेजेंट वैल्यू का कैरिंग अमाउंट क्या है जो एस्टीमेट चेंज हुआ उसके कारण रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू क्या है कितना से मेरा चेंज हुआ डीकमिशनिंग लाइब्रिटी पहले ये निकालो कितना से मेरा डीकमिशनिंग लाइब्रिटी चेंज हुआ पहले ये निकालो और इसको कॉस्ट में एडजस्ट कर दो मतलब अगर आपका डीकमिशनिंग लाइब्रिटी इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अगर आपका डीक डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट बोलो क्लियर प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट सिंपल सा ये एंट्री है यहां पे ठीक है नाउ फिर आपका अगर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो बोला आपको सेम काम करना है लेकिन 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 आप ये जो प्रोविजन का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसको असेट से एडजस्ट नहीं करके रिवैल्युएशन रिजर्व से एडजस्ट करो क्यों क्योंकि असेट तो अपने ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है ना असेट तो ऑलरेडी अपने फेयर वैल्यू पे है तो उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं तो बोला जितना भी आपका प्रोविजन का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको रिवैल्युएशन रिजर्व से एडजस्ट करो ओके okay? तो बस यही दो पॉइंट है इसमें समझने का अब इसके लिए मेरे पास दो क्वेश्चन है और वो दो बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस करूंगा मैं और आपको सॉल्व भी करना चाहिए एग्जाम के पहले चलो आ जाओ कहां गया ये एक्सेस क्या लिखा है कहां पे बोल रहे हो चलो ठीक है बताऊंगा रुक जाओ अभी पहले ये दो एग्जांपल कर लो फिर से उस चार्ट आऊंगा तो चार्ट को समझ पाओगे चार्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले एच लिमिटेड परचेस्ड पीपी द 100 मिलियन परचेस किया लाइफ टेन इयर्स है बोला कॉन्ट्रेक्चुअल डी ऑब्लिगेशन था एट फाइव मिलियन इनकर्ड एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर करेंट मार्केट बेस्ड डिस्काउंट एट इज एट परसेंट कंपनी फॉलोज पीपी एस एल एम मेथड ऑफ डिप्रिसिए एच लिमिटेड फॉलोज कॉस्ट मॉडल बोला कॉस्ट मॉडल पर आपका असेट है डिटरमाइन कैरिंग वैल्यू ऑफ एन असेट आइटम ऑफ पीपी एंड डी कमिश्निंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर वैन देर इज नो चेंज इन द डी कमिश्निंग कोई चेंज नहीं है तो क्या होगा तो बोला पांच मिलियन आपका टेंथ ईयर के एंड पे इनकर होगा और आपका डिस्काउंटिंग रेट आठ परसेंट है तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आया इसका प्रेजेंट वैल्यू आया टू पॉइंट थ्री टू मिलियन 2.32 मिलियन आया एट द रेट ऑफ 8 परसेंट तो आपका असेट का कॉस्ट कितना हो गया 102.32 मिलियन तो आपका जनरल एंट्री क्या हो गया असेट अकाउंट डेबिट 102.32 टू बैंक 100 टू प्रोविजन 2.32 बोलो क्लियर ये एंट्री क्लियर है क्या हमने करा रखा है ये एंट्री हमने करा रखा है ये एंट्री क्लियर है चलो फर्दर क्या बोल रहा है यहां पे क्या बोल रहे हैं यहां पर देखो तो आपका पीपी था वन जीरो टू पॉइंट थ्री टू पर रिक्नाइज हुआ इसको आप दस साल में डिप्रीशिएट कर रहे हो क्लियर नाउ आपका डीकमिशनिंग लाइबी था टू पॉइंट थ्री टू इसको आप अनवाइंड कर रहे हो एट द रेट ऑफ एट परसेंट क्लोजिंग आया ओपनिंग बना फिर अनवाइंड किया फिर क्लोजिंग आया ओपनिंग आया अनवाइंड किया क्लोजिंग आया ओपनिंग आया अनवाइंड किया क्लोजिंग आया ओपनिंग आया अनवाइंड किया क्लोजिंग आया बोलो क्लियर यही हो रहा है इसमें कोई दिक्कत यहां पे ये यह मैंने आपको पढ़ा रखा है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन एट द द द एंड एंड ऑफ ऑफ ईयर एंटिटी एक्सपेक्ट्स एस्टिमेटेड कैश फ्लो ऑन अकाउंट साइट रेस्टोरेशन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ विल बी एट मिलियन पहले कितना था पहले कितना था पांच मिलियन बोला एस्टिमेट चेंज हो गया अब बोल लगता है कि ए पांच मिलियन नहीं आठ मिलियन खर्चा होगा पहले लगता था पांच मिलियन अब लग रहा है आठ मिलियन होगा कब लग रहा है एट ईयर एंड फोर तो हम लोग क्या करेंगे एट ईयर एंड फोर पे आएंगे और बोलेंगे मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना है देखो तो ईयर एंड फोर में वट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन दट इज थ्री पॉइंट वन फाइव थ्री पॉइंट वन फाइव थ्री पॉइंट वन फाइव और जो रिवाइज अमाउंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है अब देखो हमें प्रेजेंट वैल्यू कितने साल का निकालना पड़ेगा छह साल का क्योंकि चार साल तो बीत गया ना दस साल के एंड में लगे एट द एंड ऑफ ईयर टेन आपका लगेगा एट मिलियन आप खड़े हो ईयर एंड फोर पे तो छह साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो आठ परसेंट के हिसाब से 8 का 6 तो तो बाय का इज आपका डीकमिशनिंग चेंज कितना से हुआ वन पॉइंट एट नाइन से आपका असेट किस पे था कॉस्ट मॉडल पे था तो आपका डीकमिशनिंग क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है तो आप क्या एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी आर आर सी बोलो क्लियर है क्या अगर डिक्रीज होता तो क्या करते अगर डिक्रीज होता तो क्या करते प्रोविजन डेबिट टू असेट वेरी गुड अब एक बात बताओ मुझे चलो मैं यहीं पे पूछ रहा हूं आपसे यहीं पे पूछ रहा हूं आपसे लेट सपोज आपका असेट का कैरिंग अमाउंट क्या था वॉट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट बताओ पे आपके असेट का कैरिंग माउंट क्या था सिक्सटी वन पॉइंट थ्री नाइन बहुत ही हाइपोथेटिकल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं थ्री नाइन बोला आपका जो डिक्रीज हुआ है अगर आपका डिक्रीज होता प्रोविजन फॉर डी आर आर सी में बाय एन अमाउंट ऑफ सिक्सटी फाइव तब क्या करते आप डिक्रीज सिक्सटी फाइव से हो गया तो क्या करते आपका एंट्री क्या होता है बताओ तो हम लोग क्या बोलते हैं प्रोविजन फॉर डी आर आर सी अकाउंट डेबिट टू असेट आप समझोगे नहीं तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं पहले ले लो तीस से डिक्रीज हुआ है तो हमने कर दिया तीस से डिक्रीज तीस से डिक्रीज असेट का रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया सिक्सटी वन पॉइंट थ्री नाइन मैंने थर्टी थर्टी वन पॉइंट थ्री नाइन बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि आपको पहले मुझे ये बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको ठीक है लेकिन अगर यहां पे ये 30 से डिक्रीज ना करके 65 से डिक्रीज कर जाता तो क्या करते क्या हम लोग अपने असेट को 65 से डिक्रीज कर सकते क्या नहीं हम लोग अपने असेट को डिक्रीज कर पाते सिर्फ 61.39 से ये 65 होता तो हम लोग का पता है क्या एंट्री होता है यहां पे हमारा एंट्री होता है यहां पे टू पी एंड एल सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी वन पॉइंट सिक्सटी वन पॉइंट थ्री नाइन ये वाला पार्ट को आपको समझ में आ जाएगा अब पढ़ो ये वाला पार्ट को अब समझ में आ जाएगा क्लियर है क्या अगर लाइब्रिटी इंक्रीज हुआ है तो असेट में एड करना है असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एक बार इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कर लो नाउ असेट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर अगर लाइब्रिटी डिक्रीज कर रही था, हमें की को करना होगा, तो हमें ज्यादा डिक्रीज हो गया तो क्या करें इफ एक्स इफ इट एक्सीड्स कैरिंग रिकॉग्नाइज एक्सेस इन पी एल बोलो क्लियर है क्या वाला पार्ट मैंने पढ़ा दिया आपको वाला पार्ट चलो बढ़िया तो ये वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था अगर लाइबिटी इंक्रीज हो रहा है अगर लाइबिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला, तो ये, तो ये वाला तो तो क्वेश्चन ये ये वाला वाला था था क्वेश्चन मांग रहा था, मैंने इसका ड्राफ्ट कर दिया तो कॉस्ट मॉडल हमारा क्लियर है बोलो कॉस्ट मॉडल क्लियर है क्या आपको अब चल रहे हैं रिवैल्युशन मॉडल पे अब चल रहे हैं रिवैल्युशन मॉडल पे तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन पे एंटिटी हैज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अ Related decommissioning liability. The nuclear power plant started operating on 1st April 20X1. The plant has a useful life of 40 years. इनिशियल कॉस्ट इतना बोला इसका लाइफ था दिस इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑफ टेन थाउजेंड ओके बोला इस एक लाख बीस हजार में दस हजार का डीकमिशनिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है लेकिन ये दस हजार क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू होगा ये दस हजार क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू होगा 70,400 जेंट से रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ फाइव परसेंट बोला 40 साल के बाद सत्तर हजारेड लगेगा उसका हमने अभी 40 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाला है एट द रेट ऑफ 5% वो आ गया मेरा अमाउंट uh, 10,000 1 लाख 10,000 तो मेरा कॉस्ट ऑफ द मशीन है और टेन थाउजेंड आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी तो मेरा आ गया वन लाख ट्वेंटी बोलो क्लियर है क्या तक तो हम लोग जो जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो क्वेश्चन पढ़ के जो हमें लग रहा है कि ये लाइन का अब रेलिवेंस नहीं रहा हमें तो उस लाइन को काट दो क्योंकि क्वेश्चन जितना छोटा होगा उतना हमारे लिए आसान होगा बोलो क्लियर क्वेश्चन को हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया हमें नहीं जरूरत है इसका हमें नहीं जरूरत है अब क्या बोल रहा है एंटीटीज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ओके ठीक है अज्यूम द मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ एक लाख पंद्रह हजार अब क्या बोल रहे यहां पर देखो अज्यूम मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ एक लाख पंद्रह हजार इज ऑपटे एक्स फोर तो हमें सबसे पहले डोन्ट यू थिंक थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स फोर में चलना चाहिए हम लोग हैं कहां पे फर्स्ट अप्रैल एक्स वन मतलब दो तीन चार तीन साल तीन साल तो आ जाओ तीन साल चलो तीन साल आगे चलते हैं तो तीन साल हमें डेप्रिसिएट करना पड़ेगा डेप्रिसिएट कैसे करेंगे एक लाख बीस हजार बाई चालीस साल इंटू तीन साल इज नाइन थाउजेंड तो मेरा हो गया एक लाख ग्यारह हजार कैरिंग अमाउंट हो गया बोलो यहां पे पर हाँ ना मेरा एक लाख ग्यारह हजार कैरिंग अमाउंट हो गया बोलो यहां पे क्लियर है क्लियर चलो अब मुझे बताओ इसी डेट पे मेरा प्रोविजन फॉर डी का बैलेंस क्या होगा इसी डेट पे मेरा प्रोविजन फॉर डी कमिशिंग का बैलेंस क्या होगा बताओ तो जरा सा आपका था दस हजार रेट था पांच परसेंट तो दस हजार इंटू वन पॉइंट इंटू वन पॉइंट जीरो इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव दैट हैपेंस छह सौ ग्यारह हजार छह सौ राउंडिंग ऑफ में ले रहा हूं है अब क्या यहां पे आपका कैरिंग अमाउंट आया था एक लाख ग्यारह हजार ऑफ असेट और हमारा असेट किस पे है री मॉडल पे नाउ अब बोल रहा है आपके असेट का फेयर वैल्यू है एक लाख पंद्रह हजार दिस वैल्यूएशन दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलावेंस ऑफ एक हजार ग्यारह हजार छह सौ ऑफ डी कॉस्ट विच रिप्रेजेंट नो चेंज टू द ऑरिजिनल एस्टिमेट आफ्टर अनवाइंडिंग ऑफ द थ्री इयर्स डिस्काउंट बस अनवाइंडिंग किया है तीन साल का डिस्काउंट के बाद आपका कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है वन वन फाइव सेवन सिक्स इसने राउंड ऑफ लेके हो गया है छह सौ तो बोला ये जो एक हजार आया है ना ये फेयर वैल्यू है ब, uh, excluding, excluding तो कितना हो गया? एक लाख पंद्रह हजार प्लस ग्यारह हजार छह सो इज एक लाख छब्बीस हजार छह सौ तो आपका रिवैल्यूशन गेन कितना हो गया आपका कैरिंग अमाउंट इतना फेयर वैल्यू इतना तो आपका रिवैल्युएशन का गेन कितना हो गया पंद्रह हजार छह सौ हजार छह सौ का आपका हो गया रिवैल्युएशन का गेन बोलो क्लियर है क्या तो इसका एंट्री क्या होगा इसका एंट्री क्या होगा असेट अकाउंट डेबिट टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पंद्रह हजार छह सौ आई बिलीव यहां तक आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक कोई भी दिक्कत है नहीं आई थिंक सो फिर क्या बोल रहा है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च

तो आपको क्या करना है बताओ आप पहुंचे थर्टी मार्च एक्स में तो यहां पे आपको बताओ तो अनवाइंडिंग के बाद कितना आ गया ग्यारह हजार छह सौ इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव दैट हैन टू वन एट जीरो हमें इसको पांच हजार से रिड्यूस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा सेवन वन एट जीरो सेवन वन एट जीरो ठीक है

रिड्यूस्ड डी ऑब्लिगेशन तो बताओ तो मेरे असेट का फेयर वैल्यू कितना होगा मेरे असेट का फेयर वैल्यू कितना होगा बताओ मुझे मेरे असेट का फेयर वैल्यू कितना होगा बताओ मुझे एक लाख सात हजार प्लस सेवन वन एट जीरो इज एक लाख चौदह हजार एक सौ वन वन फोर वन एट जीरो राइट तो आ जाओ तो मेरे असेट का यहां पे कैरिंग अमाउंट कितना आएगा आपको मालूम है यहां पे मेरा फेर... फेयर वैल्यू इतना आया था मतलब ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट था मतलब ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट था आपका रिमेनिंग लाइफ 37 इयर्स था तो इस साल का डिप्रेशन कितना आया 126600 माइनस डिवाइडेड बाय 37 इयर्स ईयर्स साल का लाइफ था तीन साल बीत गया बचा 37 इयर्स ईयर्स रिवाइज कैरिंग ये है तो डिशियट करो थ्री फोर टू टू थ्री फोर टू टू तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आया एक लाख छब्बीस हजार छ सौ माइनस थ्री फोर टू टू दैट कम्स टू वन टू थ्री वन सेवन एट मेरा फेयर वैल्यू आया इतना मेरा रिवैल्यूशन का लॉस आ गया इतना मेरा रिवैल्यूशन का लॉस आ गया इतना तो अब आपका यहां पे एंट्री होगा दो क्या एक तो डी कमिशनिंग जो आपका डिक्रीज हुआ तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे प्रोविजन फॉर डी आर आर सी अकाउंट हो रहा है लाइबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करेंगे क्यों क्योंकि एक रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट किया जाएगा नाउ फिर आपका रिवैल्यूएशन का नुकसान आया एट नाइन नाइन एट का तो आपने यहां पे इसको भी रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन नुकसान को

रिजर्व हो गया बोलो क्लियर है क्या सो so बेसिकली आपको एक बार ध्यान में रखना है एक बार ध्यान में रखना है कि अगर आपका सेट कॉस्ट मॉडल पे है अगर आपका सेट कॉस्ट मॉडल पे है अगर आपका सेट कॉस्ट मॉडल पे है तो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोविजन फॉर डीआरआरसी होता है वो असेट से एडजस्ट होता है लेकिन अगर आपका प्रोविजन फॉर डीआरआरसी डिक्रीज हो रहा है और दिस डिक्रीज इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट तो जितना कैरिंग अमाउंट से ओवर एंड अव है वो पिंडल में जाएगा नाउ अगर आपका असेट रिवेल्यूशन मॉडल पे है तो जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो रिवेल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट होगा ओके okay? नाउ अगर एडजस्टमेंट अगर आपका लेट सपोज रिवैल प्रोविजन फॉर डीआरआरसी अगर आपका लेट सपोज इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन फॉर डीआरआरसी आपका इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज का एंट्री क्या होता तो बताओ तो रिवेल्युशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीआरआरसी मतलब रिवैल्यूशन रिजर्व से आप एडजस्ट कर रहे हो तो अगर रिवेल्यूशन रिजर्व से ज्यादा इंक्रीज हो गया तो वो ज्यादा कहां जाएगा पीएनएल में ओके एनी एक्सेस इज रिकनाइज इन पी एंडल

ये गलती मत कर देना कि बोल देना कि तो अकाउंटिंग पॉलिसी है नहीं मेथड ऑफ डिप्रेशन यूजफुल लाइफ रेसिडुअल वैल्यू तीनों ही अकाउंटिंग एस्टिमेट है ओके डेप्रिसिएशन सीज होता है जब असेट को आप बेच देते हो या फिर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देते मैंने कल ही पढ़ाया था ये वाला पार्ट तो डे सीज नहीं होता है वेन द अट इज आइडियल रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज ओके नाउ डेप्रिशियन शुड बी रेकनाइज इन पी एन एललेस इट इज कैपिटलाइज टू एनीट अगर असेट को हम लोग किसी और कैपिटलाइजेशन में यूज कर रहे हैं तो इस असेट का डेप्रिसन उस अट के कॉस्ट पर कैपिटलाइज हो जाएगा कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग मैंने पढ़ा दिया है कि अगर कोई असेट है जिसका कॉस्ट सिग्निफिकेंट है और उसका लाइफ डिफरेंट है फ्रॉम द मेन असेट तो विल डेप्रिसिएट इट सेपरेटली कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग जो रेलिवेंट पॉइंट था मैंने आपको पढ़ा दिया है हम लोग असेट को डी रेकग्नाइज कब करते हैं हम लोग असेट को डी रेकोगनाइज कब करते हैं जब वो असेट से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलता मिलने का होता है या फिर असेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो हम लोग असेट को डी रेकोग्नाइज करते हैं जब जब हम लोग असेट को डी रेकग्नाइज करते हैं तो असेट को डी रेकग्निशन पर अगर कोई नेट गेन या लॉस है नेट गेन या लॉस है मतलब लेट सपोज हमने फ्री में डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो जितना कैरिंग अमाउंट है वो मेरा नुकसान हो गया अगर हमने बेचा है तो कैरिंग अमाउंट माइनस सेल प्राइस गेन और लॉस जो आया वो में जाएगा नेट सिंगल लाइन आइटम में जाएगा गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ असट ओके नाउ अगर आप असेट को सेल कर रहे हो और आपके असेट के पटेनिम कोई भी रिवेल्युएशन रिजर्व बैठा हुआ था तो उस रिवैल्युएशन रिजर्व को भी रिटेन एंडेक्स में ट्रांसफर करो डिस्क्लोजर क्या क्या करना पड़ेगा आपको बताओ तो आपको डिस्कलोज करना पड़ेगा असेट का मेजरमेंट बेसिस की कॉस्ट मॉडल है रिवॉल्यूशन मॉडल है मेथड्स ऑफ डिप्रेशन क्या है यूजफुल लाइफ क्या है ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक क्या है एडिशंस कितना किए डिलीशंस कितना किए क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक क्या है डिप्रेशन कितना चार्ज हुआ रिवॉल्यूशन कितना किए हैं ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्डेप कितना है क्लासिफाइड एज हेड फॉर सेल कितना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग नेट कैरिंग अमाउंट कितना है तो ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है जो भी आप जजमेंट ले रहे हो वो सारे जजमेंट्स को आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है अडिशनली मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ द कॉस्ट जो इनिशियल मेजरमेंट में आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए मैंने एक ट्राई किया है कि जितना पॉसिबल हो सकता है वो सारा ही लिस्ट का सारा ही आइटम्स का यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दो तो और मैंने आपको ये समझा रखा है और इसमें कुछ भी नया नहीं है मैंने क्लास में भी आज सब चीज़ समझाया है ओके सो ये आप एक बार इसको रीड कर लेना दैट्स ऑल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सा बताओ थिंक दैट्स ऑल्व फ्रॉम एन एल डी आर पर्सपेक्टिव इथ नाइए ओके